गुड मॉर्निंग एवरीबडी। नेक्स्ट वीक से सात बजे से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक मतलब वेनेसडे को तो सरस्वती पूजा है ना, फ्राइडे से 7 बजे से क्लास लेंगे। 7:30 से बहुत कम पढ़ा पाते हैं। हाँ, सरस्वती पूजा के दिन तो किताब उताब को हाथ नहीं लगाते ना, भगवान जी को दे देते सारा किताब। चलिए स्टार्ट करते, एक तो बहाना है पढ़ने नहीं पढ़ने का, और क्या, बचपन से बना दिया गया है। अच्छा, आपका लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ कॉपी में? रिप्लेसमेंट इंस्पेक्शन लिखा हुआ है सब में, और एडिशन ऑब्लिक रिपेयर लिखा हुआ देखो तो कॉपी में, ठीक। कॉपी में हेडिंग दे दीजिए डेप्रिसिएशन, अभी अगला 10, 12, 13 पॉइंट्स डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पर होगा। ओके, दिस इज द पोर्शन of accounting standard 6 which has been shifted to accounting standard 10, matlab from this place to the end of depreciation accounting whatever you say, agla 10, 12, 15 paragraph hum log depreciation accounting sikhenge, jo pehle hum log A6 mein sikhte the wo ab iske sath merge kar diya gaya hai। Okay, dusra baat, ek cheez yaad rakhiyega ki depreciation accounting ko lekar ke कॉरपोरेट लोग जो हैं, मतलब कंपनीज जो हैं, उनके लिए एक सेपरेट गाइडेंस नोट है, गाइडेंस नोट ऑन डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग बाय कंपनीज, वो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। हम फ्राइडे वाला क्लास में आपको वही पढ़ाएंगे। सो वहां पे क्या है कि जो स्पेसिफिकली कंपनीज लोग हैं वो लोग, क्योंकि उनके लिए एक शेड्यूल 2 बोल करके आपने सुना होगा, शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट, बोलिए तो क्या उसमें शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट में, यू नो व्हाट इज देयर इन शेड्यूल 2, डेप्रिसिएशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि कंपनीज को डेप्रिसिएशन कैसे देना चाहिए, क्या यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट होता है, वो सारा चीज शेड्यूल 2 में है और कंपनीज को शेड्यूल 2 फॉलो करना पड़ता है। तो उसको लेकर के इंडिया में गाइडेंस नोट है जो इंस्टीट्यूट ने नया अनाउंस किया है, वो भी अभी इसी सेमेस्टर से एप्लीकेबल है, अभी जो लोग एग्जाम देंगे मई में उनके लिए एप्लीकेबल हुआ है। नहीं, प्रैक्टिकल में लास्ट ईयर से हो रहा है, हाँ 2015 से हो रहा है। तो अभी हम लोग जो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, आप ये मान के पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा कि दिस इज फॉर नॉन इंडेस पीपल, ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला, दिस इज फॉर नॉन इंडेस पीपल एंड नॉन कॉर्पोरेट्स। क्या बोला, फिर से बोलो, नॉन इंडेस पीपल एंड नॉन कॉर्पोरेट्स। जैसे मान लो मैं, मेरा ऑडिट होता है तो मेरे को एस फॉलो करना पड़ता है। अब अगर मेरे को एस फॉलो करना है, अच्छा मेरे को एस फॉलो करना है और मेरे को डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग करना है, तो मेरे ऊपर तो शेड्यूल 2 एप्लीकेबल नहीं है, कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, इंडेस भी नहीं है। तो हमको, हाँ, नॉन कॉर्पोरेट नॉन इंडेस के लिए आप डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग पढ़ रहे हो। यू गॉट द पॉइंट? एंड रिपीट, फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग ऑफ कॉर्पोरेट्स वी डू हैव अ, बोलिए क्या, शेड्यूल 2 टुगेदर विथ गाइडेंस नोट, डन एकदम। चलिए लिखिए कॉपी में, पैराग्राफ नंबर बताइएगा, लास्ट पैरा क्या था, 21 हो गया था, ठीक है, अब लिखिए 22। लिखिए आ प्लान, ऐसे ऐसे हेडिंग दीजिएगा, हेडिंग दीजिएगा, कंपोनेंट अकाउंटिंग
नीचे लिखिएगा, बड़ा सिंपल है। ये वाला चीज हम ना लास्ट क्लास में आप लोगों को बताए थे और अभी हम लोग इसको ओपन करके डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, लास्ट क्लास में हम एक हिंट दिए थे आपको, एयरक्राफ्ट का एग्जांपल लिए थे लास्ट क्लास में एरोप्लेन का, हाँ, तो बस वही वाला चीज को इलैबोरेट करेंगे। लिखो ईच आइटम ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। अच्छा एक तो प्रॉब्लम, हाँ सुनिए, जैसे मैं बोलता हूं प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, बुक में लिखा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मेरा आदत नहीं है प्लांट मान क्या प्रॉपर्टी को पहले बोलने का, प्लांट अच्छा से निकल जाता है मुंह से, प्रॉपर्टी फिर बाद में निकलता है आराम से, तो हम प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट बोलते हैं। क्या बोला फिर से, ईच आइटम ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट विल बी डिवाइडेड इंटू इंटू सम सिग्निफिकेंट पार्ट्स एंड ईच ऑफ दोज पार्ट्स विल बी कॉल्ड अ कंपोनेंट। फुल स्टॉप। ईच सच कंपोनेंट विल बी डेप्रिसिएटेड सेपरेटली। मेरा एग्जाम्पल क्या था, अगर आप एक एरोप्लेन को प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट मानते हो, अच्छा प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट किसको बोलते हैं, टैंजिबल असेट, पूरा बोलो डेफिनेशन बोलो, टैंजिबल असेट विच इज हेल्ड फॉर यूज, हाँ हेल्ड फॉर यूज एंड विल बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ्स। उसको बुक्स में रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे पास फ्लो करना चाहिए और उसका कॉस्ट शुड बी रिलायबली मेजरेबल। कहानी सब याद होगा आपको। अब देखिए, मान लीजिए असेट हम लोग अपना बुक्स में लिख लिए, सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, उसके बाद मान लीजिए हमने कॉस्ट मॉडल वो कर लिया, ऑप्ट कर लिया। अब कॉस्ट मॉडल वाली असेट है तो कंपलसरी एवरी ईयर डेप्रिसिएशन आपको देना पड़ेगा। रिवैल्युएशन मॉडल वाली अगर असेट है, यू रिमेंबर रिवैल्युएशन मॉडल कॉस्ट मॉडल, नहीं याद है, याद है रिवैल्युएशन मॉडल में अगर वोलाटाइल असेट है तो ना, वोलाटाइल असेट है अगर तो एवरी ईयर, और नॉन वोलाटाइल लाइक प्लांट लैंड बिल्डिंग तो 3 to 5 years। लेकिन जो 3 to 5 year में रिवैल्युएशन होता है उसको भी इंटरमीडिएट पीरियड में डेप्रिसिएशन देना पड़ता है, आपको बताए थे। तो हम लोग ना बेटा अभी वो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पे डिस्कशन कर रहे हैं। नाउ रिमेंबर, इंस्टीट्यूट ने पहला बात ये बोला, बोला अगर एक प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट है तो आप उसको 3, 4, 5, 6 जितना भी सिग्निफिकेंट पार्ट है उसमें आप डिवाइड करो। अब द प्रॉब्लम इज दैट कि सिग्निफिकेंट पार्ट मीन्स व्हाट, व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट। सिग्निफिकेंट पार्ट का दूसरा नाम है मेजर कंपोनेंट। मेजर कंपोनेंट क्या है, तो इंस्टीट्यूट ने एक आइडिया दिया, बोला जिसका यूजफुल लाइफ और जिसका पैटर्न ऑफ कंजम्पशन माने यूज होने का तरीका, यूजफुल लाइफ और पैटर्न ऑफ कंजम्पशन को आप मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी बोल सकते हो, हाँ, तो जिसका यूजफुल लाइफ और पैटर्न ऑफ कंजम्पशन दूसरी असेट के माने दूसरी असेट मतलब क्या, दूसरे मेजर कंपोनेंट से अलग है तो एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से अलग कर दीजिएगा। माने बेसिकली इट इज द डेप्रिसिएशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो एक दूसरे से अगर अलग है तो आप एक दूसरे से उस कंपोनेंट को अलग अलग करके डेप्रिसिएशन दीजिएगा। हम ये लिखाने वाले हैं। नाउ द बिग प्रॉब्लम इज क्या मैनेजमेंट, कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो इतना इंटेलिजेंट है, इतना केपेबल है कि आप अलग अलग कंपोनेंट को वो आइडेंटिफाई कर सके। इफ यस देन मैनेजमेंट इज एंटाइटल्ड टू डू दैट।
पर जनरली द आंसर इज नो, वो नहीं है। तो क्या होता है कि एक एक्सपर्ट को बुलाया जाता है और वो एक्सपर्ट उस मेजर कंपोनेंट को सेपरेट करता है एक दूसरे के साथ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है मालूम, आपको मान लो पता चला प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट 200 करोड़ का है, आपके आपको पता चला उसमें उसके अंदर चार मेजर कंपोनेंट है, मान लो कंपोनेंट्स के नाम ABCD हो गए। मेन प्रॉब्लम है साला 200 करोड़ को तो अलोकेट करना पड़ेगा चार पार्ट में, बिकॉज आपका टोटल कॉस्ट इज 200 करोड़, तो ये डिवाइड कैसे होगा? अब ईच ऑफ द कंपोनेंट अलग अलग मार्केटेबल प्रोडक्ट ही नहीं है, वो बाजार में बिकता थोड़ी है, बिकता तो असेट के साथ में, तो उसको अलग करना इज अ टास्क, इट्स अ चैलेंज, और वो काम मैनेजमेंट जनरली इज नॉट केपेबल टू हैंडल ऑन इट्स ओन। तो उसके लिए इंजीनियर टेक्निकल पर्सन उनका हेल्प लिया जाता है, और वो हेल्प लेने के लिए AS10 ने स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट किया है, और उसके बाद मेजर कंपोनेंट को अलग अलग करके फिर डेप्रिसिएशन स्टार्ट किया जाता है। सो पॉइंट नंबर 23 में लिखोगे, लिखो ए मेजर कंपोनेंट विल बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर मेजर कंपोनेंट। सिग्निफिकेंट पार्ट को ही आप मेजर कंपोनेंट बोलोगे, बुक में बार बार सिग्निफिकेंट पार्ट लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंट पार्ट बोलने से थोड़ा फील नहीं आता चैप्टर पढ़ने का, तो हमने उसको मेजर कंपोनेंट बोला। क्या लिखा बोलो, अ मेजर कंपोनेंट विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द अदर मेजर कंपोनेंट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिफरेंस इट्स डिफरेंस ऑफ द यूजफुल लाइफ एंड ऑब्लिक और पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ब्रैकेट में लिखना मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन देन द अदर। ये सेपरेट करने का बेस है, अगर ये वाला यूज लाइफ यूजफुल लाइफ और पैटर्न ऑफ कंजम्पशन दोनों अगर दूसरे से अलग है या दोनों में से एक भी दूसरे से अलग है तो आपको दो कंपोनेंट को डिवाइड कर देना चाहिए, सेपरेट कर देना चाहिए, सेपरेट ही डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग होना चाहिए। अच्छा, अब लिखिए उसी पैरा में इफ देयर आर सम पार्ट्स विच रिमेन्ड देन they should be considered as one component and should be depreciated separately। वहां पे सम के जब सम जहां लिखे ना, इफ देर आर सम पार्ट्स रिमेन, सम इनसिग्निफिकेंट पार्ट्स कर दो, अभी देखिए एक तो बात आपको बताते हैं क्या होता है प्रॉब्लम। देखिए मान लीजिए एक असेट है, आपको पता चला इसके अंदर ये चार बड़े बड़े सिग्निफिकेंट पार्ट्स हैं। अब असेट है 200 करोड़ रुपया का, ठीक है, आपको पता चला चार मेजर पार्ट हैं, आपने मेजर पार्ट को अलग किया, 70 करोड़, 40 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, कितना हुआ 160 करोड़, 40 करोड़ का असेट अभी भी पड़ा है,
नहीं समझे अभी भी, 200 करोड़ में एसेट खरीदे, चार मेजर कंपोनेंट डिसाइड हुआ, इंजीनियर को बुला करके बोला गया बॉस डिवाइड करो, कॉस्ट को एलोकेट करो, ये लिखाएंगे अभी, कॉस्ट एलोकेटेड हो गया, उसके बाद भी 40 करोड़ रुपया बच गया, क्या करें? ये 40 करोड़ रुपया वो इनसिग्निफिकेंट पार्ट सब है ना बहुत सारे, जिसको नाम आप नहीं दे सकते, वो सारा इनसिग्निफिकेंट पार्ट का कॉस्ट है, इसको एक अलग से पार्ट बोल दो, पार्ट ई, और इसको अलग से डिप्रिसिएट करो। सो दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट एंड देन दिस पार्ट, सर इसका नाम सम मेज सम इनसिग्निफिकेंट पार्ट्स मिला करके, कोई नाम नहीं, अपने मन से एक ठो नाम दे दो ई, अगर आपको नाम ही देना है तो, और इसको अलग से डिप्रिसिएट करो ताकि कुछ छूट नहीं जाए। अब चार पार्ट डिवाइड हुआ, बोला कुछ बच गया तो क्या करें, आंसर इज बच गया तो है ना इंस्टीट्यूट के पास आंसर, ये वो लिखा है हम। अब लिखो 24, 24 लिखेंगे ना, लिखो द एंटिटी विल हैव टू अलोकेट द टोटल कॉस्ट, टोटल वर्ड मत लिखो, अलोकेट द कॉस्ट ऑफ अ प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट इंटू वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ, बताइए एक्सपर्ट आके करेगा वो तो ट्रू है, पर एक्सपर्ट को भी कोई आइडिया तो दिया गया होगा। अगर मान लो ये पांच पार्ट है ए बी सी डी ई, टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट 200 करोड़ का है, मेरे को पांच पार्ट में डिवाइड करना है, किस बेसिस पे डिवाइड होना चाहिए, व्हाट शुड बी द बेसिस? नहीं नहीं नहीं, वो बेसिस नहीं बोल रहा है, मैं अमाउंट निकालने का बात कर रहे हैं, बेसिस ऑफ सेपरेटिंग वन कंपोनेंट फ्रॉम द अदर कंपोनेंट इज यूजफुल लाइफ, आई एम डिस्कसिंग सेपरेट एस्पेक्ट, व्हाट आई एम टॉकिंग इज 200 करोड़ को इस पांचों में कैसे डिवाइड करें, बुक वैल्यू मतलब कैसे, हाँ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज द गुड आंसर, उसके लिए द वर्ड इज फेयर वैल्यू, हम लोग ईच कंपोनेंट का फेयर वैल्यू पता करेंगे, और वो फेयर वैल्यू एक्सपर्ट पता कर पाएगा, हम लोगों की औकात नहीं है, हम लोगों को आंसर भी एक्सपर्ट ही देगा, अपनी औकात नहीं है, बट फिर भी एक्सपर्ट को भी तो कोई आइडिया दिया जाए। तो एक्सपर्ट को बोला गया आप ईच ऑफ द कंपोनेंट का फेयर वैल्यू पता करो, वो फेयर वैल्यू पता अगर आपको मार्केट से पता चलता है फैंटास्टिक, अगर इंडिविजुअल आइटम मार्केट में ट्रेड होती है हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मार्केट से नहीं पता चलता है तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का डिस्काउंटेड जो पीवी कॉन्सेप्ट है उसको यूज कर लो, आप कहीं से भी पता कर लो, पर प्लीज डिविजन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू, बिकॉज हम लोग ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग करते हैं ना, तो डिविजन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू, लिखो वहां क्या लिखा हेडिंग, हां देयर इंडिविजुअल फेयर वैल्यूज, फुल स्टॉप करके लिखना। देखिएगा ये वाला बात हम कल बोले थे पिछला क्लास में, द मोस्ट ऑथेंटिक फेयर वैल्यू comes from the market, otherwise there are lots of techniques from where fair value can be computed. ब्रैकेट में लिखना लाइक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, खत्म। अब लिखो नया पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 25,
नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा. देयर शुड बी सम वे और द अदर. आप ये नहीं बोल पाएंगे कि हम कर नहीं पाएंगे और हम नहीं कर पाए. देयर इज नो सच आंसर फॉर दैट. आपको करना ही पड़ेगा. वन मॉडल और द अदर, अदर मॉडल और द अदर. देयर आर लॉट्स ऑफ फेयर वैल्यूएशन मॉडल. SFM पढ़ाया किस लिए जाता है? SFM इतना बड़ा जो 100 मार्क्स का पेपर है. खैर ये तो आप तो सीए फाइनल का बात कर रहे हैं. वर्ल्ड में तो फेयर वैल्यू डिटरमाइन किसी भी चीज का कर लेते. लोग समुद्र का फेयर वैल्यू निकाल लेते हैं भाई. मतलब किसी भी चीज का फेयर वैल्यू निकाल लेते हैं. यहां तो जीता जागता असेट है भाई, टेंजिबल, आराम से निकलेगा. और नहीं निकल पाया का कोई सोल्यूशन नहीं है. माने इंस्टीट्यूट हैज नॉट कम अप विथ अ सोल्यूशन फॉर नहीं निकाल पाए. एवरीथिंग हैज टू बी निकाल पाएंगे. डिड यू गेट द पॉइंट? लिखो आगे. पॉइंट नंबर बोलो 25. लिखो द डेप्रिसिएशन expense of every year will be charged to the बोलिए हर साल जो depreciation हम लोग निकालेंगे क्या करना है? profit and loss में भेजना है. क्या कोई सीन है कि कोई depreciation किसी दूसरे कैपिटल असेट का पार्ट बन जाए या किसी दूसरे असेट का पार्ट बन जाए? डेप्रिसिएशन पीएल में भेजते हो तो कोई ऐसा सीन है, कोई ऐसा चांस है 1 in 1000 केसेस ही हो कि डेप्रिसिएशन बिकम्स, डेप्रिसिएशन ऑफ वन असेट बिकम्स द कॉस्ट ऑफ अनदर असेट, पीएल में नहीं जाके कैपिटलाइज हो जाए? सोचो आराम से, टेक योर टाइम. मान लीजिए मेरे पास एक गाड़ी है, दो ठो इसी चलाइए, एक गाड़ी है, हम उसको कंस्ट्रक्शन साइट में यूज कर रहे हैं. हाँ, मेरा एक तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बड़ा बिल्डिंग चल रहा है. मान लो बाईपास में मैं एक तो बिल्डिंग बना रहे हैं और मेरे पास एक गाड़ी है, गाड़ी एकदम रनिंग सॉलिड गाड़ी है. गाड़ी मेरा एक प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट है. क्या हम उस गाड़ी के डेप्रिसिएशन को पीएल में नहीं भेज के कॉस्ट ऑफ दैट बिल्डिंग में एड कर सकते? सर कर सकते नहीं, करना ही चाहिए. क्या फंडा था? किसको कॉस्ट बोलते हैं? कॉस्ट का डेफिनेशन दो. कॉस्ट ऑफ ए प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट. हाँ, ऑल द डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट विच आर इनकर्ड टू ब्रिंग द असेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन एंड हाँ पुट टू यूज. नहीं, इसका बढ़िया वर्ड है. नहीं, और बढ़िया वर्ड है असे. हाँ, मैनेजमेंट उस असेट को जिस तरह से काम में लेना चाहता है, असेट को उस तरह से बनाने के लिए, इन द मैनर इन विच द असेट इज गोइंग टू वर्क फॉर द मैनेजमेंट. याद है ये वाला वर्ड? हेलो, उस तरह से करने के लिए हमको जितना खर्चा असेट पे करना पड़ेगा, हम सारा खर्चा को कॉस्ट ऑफ द असेट बोलेंगे. तो आप मुझे बताइए, गाड़ी का डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए या नहीं चाहिए? बनेगा. लिखो, क्या पॉइंट लिखे तुम लोग बेटा? टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Unless it is included in the carrying amount of another asset. वहीं ब्रैकेट में लिख देना, फॉर एग्जाम्पल व्हीकल यूज्ड इन, यूज्ड एट, करो एट ए कंस्ट्रक्शन साइट कॉमा करके लिखिए, इट्स डेप्रिसिएशन विल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग.
देख लीजिए दोनों जर्नल एंट्री, कॉपी में मत कीजिएगा, दोनों जर्नल देख लीजिए। और वही अगर नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में असेट यूज हो रही है मान लीजिए, जैसे नॉर्मल होता है भाई, असेट को जिस लिए आपने बनाया उस लिए अगर वो असेट यूज हो रही है, देन दिस डेप्रिसिएशन विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उस वक्त ये वाला एंट्री क्या हो जाएगा, ये तो वही रहेगा डेप्रिसिएशन टू कार, दिस एंट्री विल बी पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। और ये कब हो रहा है आपको समझ में आई गया, हम समझा दिए। अब लिखो पॉइंट नंबर 26, एकदम इजी इजी है, मजेदार है। द depreciable अमाउंट should be allocated to different periods on a systematic basis on a systematic basis over its useful life। फुल स्टॉप करके लिखिएगा। हियर द वर्ड सिस्टमैटिक बेसिस मीन्स the amount of depreciation should amount of depreciation of each year karo of each year should reflect the fair amount of the consumption of the asset, full stop। The amount of depreciation should reflect the pattern of consumption of the asset। of the asset पैरा चेंज करके लिखिएगा, नंबर वही रखिएगा। देयरफॉर the management must be careful while selecting the method of depreciation। दो एक तो बंद कर दीजिए, एक बार कौन सा चलाएं अभी आप, एक बार आठ नंबर बंद करिए। क्या लिखा, द मैनेजमेंट शुड बी वेरी केयरफुल वाइल सेलेक्टिंग द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, फुल स्टॉप। देखिए क्या बातचीत है, सब कुछ सुनिए, बड़ा बात है ये, आप लोग को आईपीसीसी में भी हम लोग पढ़ाते थे। और अभी इसको देखिए क्या बात हम लोग बोलना चाहते हैं। मान लीजिए आपके पास दो कार है, सेम ब्रांड, सब सेम, परचेज्ड ऑन द सेम डेट। आपने डिसाइड भी किया दोनों कार का यूजफुल लाइफ 5 साल है, हम इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन एक कार जितना पूरे 5 साल में चलेगा उसका 90% आप उसको फर्स्ट ईयर में चला दिए, और दूसरा वाला कार ठीक 20% ही चला है, 20-20 करके वो 5 साल चलेगा, क्या आपको लगता है दोनों कार का डेप्रिसिएशन अमाउंट पीएल में एक बराबर जाना चाहिए?
आप समझने का कोशिश कीजिए हम लोग क्या बोलना चाहते हैं। क्या दोनों का डिप्रिसिएशन अमाउंट एक बराबर जाना चाहिए पीएल में? आंसर इज नो। देयरफॉर इंस्टीट्यूट ने एक चीज पे फोकस किया, बोला यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, नंबर ऑफ किलोमीटर्स, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, क्वांटिटी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द माइंस, ये वाला जो बेसिस है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बेसिस को आप लोग जानते क्या बोलते थे? डिप्लेशन मेथड। आप लोग अपने सीपीटी लेवल पे आप उसको डिप्लेशन मेथड बोलते थे। तो आप डिप्लेशन वर्ड को छोड़िए, थोड़ा पीछे छोड़िए, उसकी जगह यूज कीजिए यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो इंस्टीट्यूट ने बोला, बोला अलोंग विथ एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी डोंट फॉरगेट दैट देयर इज ए मेथड कॉल्ड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। और बोला अगर आपको लगता है कि यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड का यूज डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालने के लिए ज्यादा लॉजिकल है तो आप प्लीज उसी तरह से डेप्रिसिएशन निकालिए। खास करके गाड़ी, एरोप्लेन का इंजिन, इन सब का डेप्रिसिएशन अगर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बेसिस पे हो कि भाई इतना किलोमीटर गाड़ी चलता है, उतना किलोमीटर में इतना किलोमीटर चला लिए, तो गाड़ी का मेजर पोर्शन मान लो 1,00,000 किलोमीटर एक गाड़ी चलेगी। अब फर्स्ट ईयर में आप उसमें 70,000 किलोमीटर चला लिए तो 70% ऑफ द गाड़ी शुड बी डेप्रिसिएटेड, ओवर। अब उसमें आप बोलेंगे नहीं 5 साल लाइफ है, हम तो 1/5 डेप्रिसिएशन देंगे, तो आपने उस असेट को जितना कंज्यूम किया और क्या आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट सिस्टमैटिक लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है ना, तो फिर तो गलत हुआ ना। यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड लुक्स अनफेयर। तो मेथड के सिलेक्शन के टाइम पे द मैनेजमेंट मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल कि आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट पीएल में उतना जाना चाहिए जितना आपने उस असेट को कंज्यूम उस साल में किया है। जस्ट डोंट बी अ स्लेव SLAVE ऑफ द मेथड कॉल्ड SLM एंड WDV। इफ यू फील दैट SLM WDV आर नॉट गिविंग यू प्रॉपर रिजल्ट्स और नॉट गिविंग यू द फेयर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गेटिंग ट्रांसफर टू P&L, देन गो एंड सेलेक्ट सम अदर मेथड्स विच विल गिव यू द प्रॉपर और फेयर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गेटिंग चार्ज टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। बोला लोगों को SLM और WDV से बड़ा फैंसी है, बोला उस फैंसी से बाहर जाओ, फेयर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन शुड गो टू P&L, उसको इंश्योर करो, और उसको इंश्योर करने के लिए जिस मेथड का सिलेक्शन तुमको करना है उस मेथड का सिलेक्शन करो। और उसके लिए बोला हम लोग का एडवाइस है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड इज ए वेरी वेरी हैंडसम मेथड जो आपके बहुत सारे समस्या का सॉल्व कर देगा। इसमें सबसे बढ़िया इसको यूसेज मेथड भी बोलते हैं, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को यूसेज मेथड भी बोलते हैं। जितना आप यूज कर रहे हो उतना डेप्रिसिएशन डालो ना भाई, लिखो पैराग्राफ नंबर, हाँ बेटा 27 लिखो, देर आर टू वेरी पॉपुलर मेथड्स of depreciation, namely SLM and WDV. Full stop. But if these two methods do not reflect the pattern of consuming the future economic benefit, economic benefit kar do, consuming the economic benefit from the asset, then entity should opt for some other methods like unit of production method. अच्छा एक चीज और सुन लो, जैसे मेरा ना, मैं अपना इंडिविजुअल सुदर्शन अग्रवाल का बात कर रहा हूं, मेरा कोई भी असेट में हम यूनिट ऑफ प्रोडक्शन फॉलो नहीं करते,
नन ऑफ माई असेट्स आर गेटिंग डेप्रिसिएटेड यूजिंग यूओपी, बिकॉज मेरा ना बड़ा कंसिस्टेंट यूज होता है एसेट का। मेरा ऐसा नहीं होता है कि जैसे मान लो मेरे पास अगर 3 गाड़ी है तो कोई गाड़ी कम चल रहा है, कोई गाड़ी ज्यादा चल रहा है, मंडे ट्यूजडे वेनेसडे कोई गाड़ी निकाल लिया, वेनेसडे थर्सडे कोई और गाड़ी निकाल लिया, उस तरह से चलता है मेरा गाड़ी। तो हमारा बड़ा कंसिस्टेंट यूज है, तो जिसके कंसिस्टेंट यूज होता है ना उसको SLM या WDV सूट करता है। ठीक है, जैसे मेरा ये जो प्रेमाइसिस है ना, जितना भी प्रेमाइसिस है, मे बी दिस, मे बी माई बेंटिक स्ट्रीट प्रेमाइसिस, मे बी माई गिरीश पार्क प्रेमाइसिस, जहां पे भी मेरा ऑफिस और ट्यूशंस का काम चलता है, हम स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन देते हैं। मेरा जितना भी मशीनरी वाला असेट सब है ना, लाइक दिस, क्या नाम ये, क्या मशीन है ये, प्रोजेक्टर, एयर कंडीशनर, साला नाम ही भूल जाते हैं, एयर कंडीशनर, ये डॉक्यूमेंट कैमरा, सारा तुम्हारा माइक्रोफोन सिस्टम, साउंड बॉक्स सिस्टम, जितना भी है मशीन टाइप का जितना भी मेरा असेट है, वो कैमरा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्लासेस के काम आता है, वो सारा चीज को हम WDV में डेप्रिसिएशन देते हैं। कंसिस्टेंट यूज है ना, तो मेरे को यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में जाना नहीं पड़ता। लेकिन जिन लोगों का इनकंसिस्टेंट यूज होगा ना, वो लोग इन दोनों को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा ऑडिटर को। ऑडिटर पूछेगा किस लिए स्ट्रेट लाइन, किस लिए WDV, बोलेगा क्या इतना डेप्रिसिएशन जो PL में डाल रहे हो वो ट्रू। अच्छा सोचो, डेप्रिसिएशन कितना कितना सिग्निफिकेंट आइटम है, आप उसको PL में डेबिट करोगे, सीधा नेट प्रॉफिट विल कम डाउन। अब अगर डेप्रिसिएशन जाना चाहिए 40 करोड़, आप डाल दिए 70 करोड़, क्या प्रॉफिट विल नॉट बी सिग्निफिकेंटली अंडरस्टेटेड। और अपन एक वर्ड पढ़ते थे छोटे थे जब, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू, तो बोला जाता था नथिंग शुड बी ओवरस्टेटेड एंड नथिंग शुड बी अंडरस्टेटेड। अपने यहां क्या हुआ, डेप्रिसिएशन इज ओवरस्टेटेड एंड प्रॉफिट इज अंडरस्टेटेड। ये तो रॉन्ग है ना, ये तो ट्रू एंड फेयर नहीं है। तो वो ऑडिटर जरूर क्वेश्चन पूछेगा। तो आप बोलेंगे मेरा तो WDV से इतना ही आया, तो बोला तुमको WDV सेलेक्ट करने कौन बोला, बोला हम तो पहले सेलेक्ट करके रखे थे, पहले ये ठीक था। अरे तो ठीक था तो आप चेंज कर लो, अब रेलेवेंट नहीं है। इसलिए इंस्टीट्यूट ने क्या किया मालूम, बोला आप ऐसा मत समझना कि आप एक बार मेथड सेलेक्ट कर लिए तो आप गुलाम बन गए उसके, नहीं, एवरी ईयर एंड पे बैठ के देखो कि आपने जो मेथड ऑप्ट किया था लास्ट ईयर वो आज सही बैठता है कि नहीं बैठता है। अगर नहीं है वो सही तो चेंज इट, मेथड चेंज करो, स्क्रैप वैल्यू चेंज करो, यूजफुल लाइफ चेंज करो। एवरी ईयर तीनों चीज को रिव्यू करने बोला, सो दैट PL में उतना ही डेप्रिसिएशन जाए जितना एक्चुअल में उस असेट का डेप्रिसिएशन हुआ है, उतना ना जाए जितना SLM बोल रहा है, उतना ना जाए जितना WDV बोल रहा है, उतना जाए जितना हुआ है। अपन बोलते ना अक्रूड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड अक्रूड, डेप्रिसिएशन अक्रूड ड्यूरिंग द ईयर, माने उतना डेप्रिसिएशन जितना इस साल हुआ। अक्रूड मींस व्हाट एवर हैज हैपेंड इनकर्ड, तो जितना इनकर हुआ उतना जाए, जितना SLM बोल रहा उतना क्यों जाए। हां, जितना SLM बोल रहा उतना जाए अगर उतना ही अक्रू हुआ है। नहीं समझे हम क्या बोलना चाहते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, और वो जिस मेथड से निकले ना वो वाला मेथड ऑप्ट करो। इवन इंस्टीट्यूट ये भी बोलता है कि लास्ट ईयर तुमने SLM यूज किया, अगले साल तुमको WDV लगता है, तुम WDV यूज करो। तीसरे साल तुमको UOP लगता है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, तुम UOP यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट जिससे सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन होता है, अच्छा से रिफ्लेक्शन होता है, तुम उसी मेथड को यूज करो। पहले क्या था, यूज करेंगे एक बार तो कंसिस्टेंसी फॉलो करेंगे। अबे कंसिस्टेंसी अगर ट्रू एंड फेयर की वाट लगा दे तो वैसा कंसिस्टेंसी किस काम का। सुनील गावस्कर वनडे का बड़ा प्लेयर क्यों नहीं बन पाया, कंसिस्टेंसी टेस्ट क्रिकेट टाइप का खेलता था वो, एक बार 60 ओवर का मैच में 36 रन बनाया, शुरू से लास्ट तक नॉट आउट। 60 ओवर का वनडे होता था पहले, 36 रन से स्कोर, कैसे खेलेगा वनडे आप हमको बताइए, लिखिए। तो ऐसा भी कंसिस्टेंसी हमको नहीं चाहिए जो मेरे काम नहीं आए, लिखिए। कितना नंबर पॉइंट बेटा, नहीं ये पैराग्राफ कंप्लीट था, ये कंप्लीट था, एक बार पैराग्राफ रीडिंग करो तो हम जरा देखना चाहते हैं, व्हाट डिड आई डिक्टेट। हाँ
बस ठीक है ठीक है, एकदम कंप्लीट है। अब लिखो पैराग्राफ नंबर 28। यस बेटा, वही जैसे मैं करता हूं ना, जैसे मेरा ये जो क्लासरूम जितना भी है इसमें मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हमको WDV में जाना चाहिए। इक्विवेलेंट कंजम्पशन है, इक्वल टाइप का यूज हो रहा है उसको, तो हम लोग स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन ऑप्ट करते हैं। बिकॉज पैटर्न उसी तरह का है कि इक्वली एवरी ईयर इज गेटिंग कंज्यूम्ड। लेकिन मशीनरी सब जो है, आप देखिए मशीन का फंडा क्या है, शुरू शुरू में बड़ा अच्छा आउटपुट देता है। गाड़ी नया नया, बताइए कैसा आउटपुट रहता है, मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट जो आप उसका कंज्यूम कर रहे हैं कैसा फीलिंग रहता है। फर्स्ट ईयर आप नया नया गाड़ी में बैठ रहे हैं, कैसा फीलिंग रहता है, फोन वाला रहता है ना, एकदम नया वाला फोन वाला। और एक साल के बाद एकदम फोन इज द बेस्ट एग्जाम्पल, चलिए गाड़ी से बढ़िया एग्जाम्पल इज फोन, तुम्हारी लाइफ में फोन ना कैसा रहता है, फोन नया नया जब आप यूज करते हैं आपको लगता है बहुत अच्छा हमको बेनिफिट दे रहा है, बहुत मजा आ रहा है यूज करके, तो आप पहला साल में उसकी इतनी वाट लगा देते हैं कि सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन देने के लिए कुछ रह नहीं जाता है। सो देयरफॉर वी से दैट कि आप हायर डेप्रिसिएशन दीजिए इनिशियल ईयर्स में। हायर डेप्रिसिएशन इनिशियल ईयर इज WDV, नहीं तो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। इक्वल डेप्रिसिएशन एवरी ईयर इज स्ट्रेट लाइन। तो आप पता कीजिए ये असेट कैसे कंज्यूम हो रहा है। लेकिन नया नया क्लासरूम और पुराना क्लासरूम एक जैसा बेनिफिट देता है, लेकिन नया नया फोन और पुराना फोन एक जैसा बेनिफिट नहीं देता, बोलो हाँ। तो दोनों में पैटर्न ऑफ कंजम्पशन में डिफरेंस है कि नहीं है, तो ये जो यूज करता है उस असेट को वो बेहतर जानेगा, तो लेट हिम डिसाइड। इसीलिए तुम देखना इंस्टीट्यूट ने ना इस एस में मैनेजमेंट के हिस्से में इतना सारा चीज छोड़ दिया कि योर जजमेंट कॉल, रूल बेस्ड नहीं है, आप जजमेंट लीजिए। जबकि शेड्यूल टू जो है ना कंपनीज में, वो साला रूल बेस्ड है, हम जो बोल रहे हैं वो कीजिए। लिखिए नंबर 28, नहीं प्रोस्पेक्टिव, चेंज हो गया अभी वो रूल, वो सब आपको बताएंगे अभी। ऑल दोज रिव्यू एंड चेंजेस, उसको चेंजेस इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट बोला जाता है। नाउ इट इज नो लॉन्गर चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, पहले पॉलिसी चेंज होता था तो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट होता था, अभी उसको चेंज कर दिया गया है। हम आपको बताएंगे वो, दैट इज कमिंग इन द नेक्स्ट 10 पैराग्राफ्स, वो आ रहा है। कितना नंबर में जाएंगे बेटा अभी लिखो। डेप्रिसिएशन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें, छोटी छोटी बातें, इसका जवाब ना आप लोग दीजिएगा, जवाब आप लोग दीजिएगा, लेकिन आप थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो आप दे पाएंगे। एक असेट है, हम उसका डेप्रिसिएशन दे रहे हैं, 3-4 साल हो गया है, लाइफ अभी है, सब कुछ ठीक ठाक है, उसका फेयर वैल्यू ऑफ द असेट, फेयर वैल्यू माइंड इट, एक्सीड्स द कैरिंग अमाउंट, तो क्या डेप्रिसिएशन स्टॉप कर देना चाहिए? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, हड़बड़ नहीं। मेरे पास एक असेट है, उसका कैरिंग अमाउंट है 40 करोड़, ठीक है, यूजेबल है, यूज कर रहे हैं, सब कुछ है अभी, हाँ, लेकिन आज के दिन उसका फेयर मार्केट वैल्यू 70 करोड़ है, बेचेंगे तो 70 करोड़ मिल जाएगा भाई, लेकिन हम यूज कर रहे हैं, शुड आई स्टॉप चार्जिंग डेप्रिसिएशन? 70 करोड़ पे क्यों चार्ज करेंगे, हम तो कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं। आई एम नॉट फॉलोइंग रिवैल्यूएशन मॉडल, आई एम फॉलोइंग कॉस्ट मॉडल। ये मेरा रिमेनिंग WDV ऑफ द असेट है, कैरिंग अमाउंट जिसको बोलते हो, ये आज के दिन इसका फेयर वैल्यू है। देखिए आपको कंफ्यूज तो कर दिए हम, है ना, आप अच्छे से जवाब दो कोशिश करके, क्या लगता है? अच्छा पहले मैं बता दूं, मैं कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा हूं, मेरे को नॉर्मल डेप्रिसिएशन जैसे चार्ज करते सारा दुनिया वही कर रहा है। इंडिया का 100% कंपनीज फॉलो कॉस्ट मॉडल, नोबडी गोज फॉर रिवैल्यूएशन मॉडल। आप लोगों को रिवैल्यूएशन मॉडल एक्सप्लेन किए थे ना, कितना टेंशन है उसमें, कॉस्ट मॉडल में एक लाइन, कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन, काम खत्म। और रिवैल्यूएशन मॉडल में कितने 10-12 रूल थे ना, तो सब कोई कॉस्ट मॉडल फॉलो करता है। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा बोलो? हाँ, इफ द फेयर वैल्यू ऑफ एनी असेट इज मोर देन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन असेट, शुड आई स्टॉप प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन? सिंपल क्वेश्चन, नो थैंक यू। क्यों? अरे सर ये तो होना ही चाहिए। नहीं नहीं, ये तो होना ही चाहिए, असेट तो नहीं, ऐसे भी मेरा असेट का मार्केट वैल्यू बढ़ गया, ठीक है बढ़ गया, वेरी गुड, आई एम हैप्पी,
पर हम उस असेट को यूज कर रहे हैं यस और नो, हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं यस और नो, तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, खत्म बात। यस लिखिए इस पे दो तीन तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको। हाँ क्या लिखा बोलो, शुड कंटिन्यू इवन इफ दी फेयर वैल्यू ऑफ एन असेट एक्सीड्स द कैरिंग अमाउंट। इसका जवाब दीजिए। तो एक असेट है, कभी हम बहुत पहले 100 करोड़ रुपए में खरीदे थे, अब डेप्रिसिएशन देते देते उसका कैरिंग अमाउंट जो है वो बचा है 6 करोड़ रुपया, ठीक है, और इसका रेसिजुअल वैल्यू जो है वो रेसिजुअल वैल्यू, माइंड इट नॉट फेयर वैल्यू, इसका रेसिजुअल वैल्यू जो है वो भी 6 करोड़ रुपीज है, या मान लो 6.5 करोड़ रुपीज है। बोली देना चाहिए उसके बाद डिप्रिसिएशन। एक बार असेट अगर रेसिजुअल वैल्यू पर पहुंच गया है या उससे भी नीचे, पहले तो उसके नीचे भी जाने नहीं देना चाहिए आपको डिप्रिसिएशन देके, रेसिजुअल वैल्यू पे ले जा करके रोक देना चाहिए। पर इफ द रेसिजुअल वैल्यू एक्सीड्स द कैरिंग अमाउंट, शुड यू चार्ज डिप्रिसिएशन एनी मोर, इवन इफ यू आर यूजिंग द असेट, इट इज गेटिंग यूज, अभी भी यूज हो रहा है, बट शुड यू चार्ज डिप्रिसिएशन ऑन दैट असेट? नो। लिखो, depreciation should stop if the residual value of an asset exceeds the carrying amount. Exceeds the carrying amount. Full stop करके लिखिएगा इसी लाइन में, it is prudent that the depreciation amount in the last year should be adjusted in such a manner that बोलिए ना मैं क्या लिखाने जा रहा हूं, इसके बाद वाला लाइन बताइए, आप लोग कैपेबल हैं देने का जवाब? हाँ, तो मैंने क्या लिखा है, तुम जो बात बोल, मेरा सेंटेंस को ठीक से बिठा, माने योर आइडिया इज वेरी करेक्ट, दैट आई मीन द वे आई एम थिंकिंग, सेंटेंस ठीक से बिठा। हाँ वही बोलना चाहता हूं मैं, मार वो तो भाषा वही करेंगे हम लोग, लेकिन मेरा सेंटेंस में फिट नहीं बैठ रहा है। बताओ मेरा सेंटेंस में क्या लिखेंगे, बोलो। हाँ मैंने क्या बोला, बोलो पूरा सेंटेंस पढ़ो एक बार फिर से, दैट द रिमेनिंग डब्ल्यू डी वी कैरिंग अमाउंट जिसको बोलते हो आप, बिकम्स इक्वल टू द रेसिजुअल वैल्यू ऑफ द असेट। फुल स्टॉप। अच्छा एक तो इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो, हाँ मान लीजिए हम 6 करोड़ में ले जाकर के रोक दिए, 6 करोड़ में ले जाकर के रोक दिए। हाँ अभी चला ये इंस्टीट्यूट AS10 में क्या किया है, बोला है एवरी ईयर 3 चीज का रिव्यू होना चाहिए, 1 बोलिए रेसिजुअल वैल्यू, 2 यूजफुल लाइफ, 3 मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अब मान लीजिए रेसिजुअल वैल्यू का रिव्यू किए तो रेसिजुअल वैल्यू 1 करोड़ आया और असेट इज गेटिंग यूज्ड, क्या करना चाहिए?
हाँ वापिस से, थैंक यू, एकदम प्रूडेंटली आप बात कर रहे हैं, माने हवा में बात नहीं कर रहे, थैंक यू. वी शुड स्टार्ट चार्जिंग डेप्रिसिएशन अगेन बिकॉज नाउ लेट दिस कैरिंग अमाउंट गेट इक्वल टू इट्स रेसिजुअल वैल्यू इन द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट. लेट्स गो एंड डू दैट. वेरी नाइस. चलो आगे लिखो, नया पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 29. लिखो द रेसिजुअल वैल्यू कॉमा द यूजफुल लाइफ एंड द डेप्रिसिएशन मेथड शुड बी रिव्यूड एट ईच ईयर एंड. फुल स्टॉप. विथ, आई मीन इफ देयर इज, विथ मत करो, लिखो इफ देयर इज एनी चेंज देन द चेंज शुड बी अप्लाइड. इफ देयर इज एनी चेंज, कॉमा करके लिखो, द चेंज शुड बी अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली. And it is considered as बोर्ड पे देखिएगा और ये लिखना है. चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टीमेट and not a change in the accounting policy. Full stop. देखिए पहले में और अभी में एक तो बड़ा फर्क आपने महसूस किया. पहले आप लोगों को पढ़ाया जाता रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट ऑफ चेंज इन द मेथड, कहानी याद है, सीपीटी में पढ़ते थे आप लोग, आईपीसीसी में भी पढ़ते थे. दैट स्टोरी इज नो लॉन्गर रेलेवेंट नाउ. दे से जहां से आपने मेथड चेंज किया वहां से आप नया मेथड स्टार्ट कर दो डेप्रिसिएशन देना. उस दिन का जो WDV था उसको आप नया मेथड से डेप्रिसिएट करो. अगर लाइफ चेंज होता है, जहां तक तुमने काम किया वो ठीक किया, अब वहां से नया लाइफ का डिप्रिसिएशन दो. स्क्रैप चेंज हुआ, जहां तक जो किया ठीक है, अब यहां से नया स्क्रैप समझ के डिप्रिसिएशन दो. फॉर एग्जाम्पल, मान लो सिंपल सा बात बोलते हैं, आप एक 100 करोड़ की असेट खरीदे थे, स्क्रैप मान लीजिए 0 था, हाँ नो रेसिजुअल वैल्यू. आप डिप्रिसिएशन देना स्टार्ट किए 10 ईयर्स, आपका पैटर्न ऑफ कंजम्पशन बोला स्ट्रेट लाइन, आपने स्ट्रेट लाइन में 3 साल डिप्रिसिएशन दिया, 3 साल में कभी आपको महसूस नहीं हुआ कि बदलना चाहिए कुछ, आपने डिप्रिसिएशन दिया स्ट्रेट लाइन दिए, 70 करोड़ का कैरिंग अमाउंट बचा. हेलो, अब आपको लग रहा है, आपको बोला गया रिव्यू करो, एवरी ईयर रिव्यू करना है तीनों चीज को. आपने रिव्यू किया, लाइफ इज और 20 ईयर्स, और 20 ईयर्स, क्या करना है बोलो, क्या करना है? हां, 70 करोड़ डिवाइडेड बाई 20, 3.5 करोड़ करके अगले सालों में डेप्रिसिएशन देना स्टार्ट कर दो. माने कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर दिया. ऐसा नहीं किया कि नाउ द लाइफ इज 23 ईयर्स, पुराना 3 साल तुम 10, नहीं समझे, पुराना 3 साल तुम 10 करोड़ करके किया, वो तुमको 3/23 करके होना चाहिए था. अरे हेलो, ऐसा नहीं किया, एकदम सिंपल बोला आप चेंज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जहां से चेंज हुआ वहां के बाद से नया मेथड शुड बी स्टार्टेड. इट्स इजी एंड इट्स गुड. आप कोई पहले में रॉन्ग नहीं ठहराया जा रहा है. हम लोग पहले डिसीजन लिए, पहले अपना सिस्टमैटिक तरीका से हम डिप्रिसिएशन दे रहे थे, अब ना हम चेंज कर रहे हैं, तो हम चेंज कर रहे हैं, हम यहां से चेंज को अप्लाई करेंगे.
नेक्स्ट पॉइंट। यस बाकी में तो आपको याद होगा ईच ईयर फेयर वैल्यू निकाला जाता है। आपको आपको रिटायरमेंट बेनिफिट पढ़ाया गया AS 15, आप याद कीजिए उसमें कॉन्सेप्ट क्या है। उसमें एवरी ईयर वो जो एक्चुरी होता है वो लायबिलिटी का भी और असेट का भी, प्लान असेट दोनों का फेयर वैल्यू निकालता है, और बैलेंस शीट में साला फेयर वैल्यू पे लिखना पड़ता है। एंड दैट फेयर वैल्यू ऑलवेज यूजेस फेयर वैल्यू एज एन पर्टिकुलर डेट, दैट मींस उसमें सारा अमेंडमेंट लेने के बाद का कहानी है वो। सो दैट इज नेचुरली रेट्रोस्पेक्टिव। लिखिए पॉइंट नंबर 30, लिखो लिखो, एन एंटिटी शुड स्टार्ट चार्जिंग डेप्रिसिएशन बोलिए कब से, कब से मैं डेप्रिसिएशन देना स्टार्ट करूं, एक्चुअली पुट टू यूज या अवेलेबल टू बी यूज्ड। आप समझ मैं क्या बोल रहा हूं, बिकॉज माय क्वेश्चन इज ओनली दिस कि से द असेट इज अवेलेबल ऑन 22nd of January 2017 बट आई एक्चुअली पुट टू यूज ऑन 29th of February 2019। बोला सर व्हाट डिड यू डू इन दिस टू इयर्स, बच्चे को स्कूलिंग करा रहा था, कुछ भी बे तेरा क्या जाता, मेरा असेट है। मेरा क्वेश्चन यही था। अब तुम लोग इसी दोनों में कोई कुछ बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है, बिकॉज माय क्वेश्चन इज दिस, तो हम कैसे आपको लाइटली जाने दें। बोलिए यहां से या यहां से, दिस इज एक्चुअली पुट टू यूज एंड दिस इज अवेलेबल टू बी पुट टू यूज। क्या इस 2 साल में डेप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए? असेट वॉज आइडल, ठीक है, डेप्रिसिएशन अमाउंट में भी लेस। तीन चीज है उसमें, वो अभी हम आपको बोलने जा रहे हैं, एक मिनट। बच्चे ने एक तो बढ़िया वर्ड बोला, बच्चा फाइट कर रहा है इस चीज को लेके। अच्छा पहले आप लोग, मैं उस बच्चे से अलग से बात करता हूं, पहले आप लोग बताइए कहां से आपको लगता है डेप्रिसिएशन होना चाहिए, यहां से या यहां से, एक्चुअली पुट टू यूज और इट वॉज अवेलेबल, ट्रायल डन कंप्लीट, कमिश्निंग कंप्लीट, रेडी, एवरीथिंग फंटास्टिक, बस चाहो तो कल चालू कर दो, पर मुहूर्त निकाल रहे थे, सब हो गया, टेक्निकल सब हो गया। क्या बोलिए, बोलिए क्या बोलिए, अवेलेबल से होना चाहिए। एक बच्चा बोल रहा नहीं सर एक्चुअली होना चाहिए, वियर इन टीयर तो स्टार्ट नहीं हुआ, डन। बट हु सेड यू कि ओनली वियर इन टीयर इज द ओनली एस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, देर इज समथिंग कॉल्ड लैप्स ऑफ टाइम, देर इज समथिंग कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस। तो सर सब तो आप पढ़ाए नहीं, बस अभी आएंगे तो अगले पैराग्राफ में आने वाला है। डेप्रिसिएशन मे बी स्मॉल, हाँ स्टैंड बाई की तरह, यस डेप्रिसिएशन मे बी स्मॉल, अमाउंट मे बी स्मॉल बिकॉज द यूसेज हैज बीन वेरी लेस, बट यू कांट से दैट आई विल नॉट स्टार्ट चार्जिंग डेप्रिसिएशन। और इंस्टीट्यूट ने तो यह भी गुस्सा किया, बोला बोला बहुत सारे लोग बोला ये जो 2 साल गुजरा ना, इस 2 साल में एक्सपेंस को कैपिटलाइज करते हैं, बोला यू शुड स्टॉप कैपिटलाइजिंग द एक्सपेंस व्हेन द असेट इज रेडी टू बी यूज्ड इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट 22 तारीख को हासिल हो गया था, जल्दी बोलो हाँ या ना, तो फिर उसके बाद होने वाला खर्चा तुम कैपिटलाइज क्यों कर रहा है। बोलो नहीं एक्चुअली यूज नहीं हुआ, सो व्हाट, हम लोगों ने कब बोला एक्चुअल यूज, हमने बोला इफ द असेट इज रेडी टू वर्क इन एज पर द इंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट स्टॉप का। आप तो बार बार डेफिनेशन बोलते हैं ना रेडी टू बी पुट टू यूज, तो फिर आज एक्चुअली पुट टू यूज कैसे आया, बिकॉज आज प्रॉब्लम ही तो रेडी और एक्चुअली के डिफरेंस पे है। आंसर इज डन, लिखो क्या बोला, क्या लिखा बोलो, वंस द असेट इज अवेलेबल फॉर यूज, फुल स्टॉप करके आगे लिखिएगा, सो इफ द असेट इज, वर्ड्स दोबारा लिखा रहा हूं हा, इफ द असेट इज इन द लोकेशन एंड कंडीशन
नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ वर्किंग इन द मैनर एज इंटेंडेड बाय द इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट. फुल स्टॉप कर दो. पैरा चेंज करोगे, नंबर वही रखोगे. हाँ, लिखो सो इफ द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज ऑन 1/4/17. जानबूझ के ऐसा डेट नहीं लिख रहे हैं, बिगिनिंग डेट लिख रहे हैं तो कंफ्यूजन कम रहेगा. एंड एक्चुअली पुट टू यूज ऑन 1/4/19. ये दो चीज के ऊपर जवाब दीजिए. दो साल का डेप्रिसिएशन और दो साल के खर्चों का कैपिटलाइजेशन के ऊपर बात कीजिए. हाँ, जीरो भी हो सकता है, हम लोग जीरो के लिए भी रेडी हैं. हाँ, मैंने क्या बोला अभी तो बोला हम लोग. मैं तुरंत समझ जाता हूं कि तुम्हारा आगे का बात क्या है ना, बोलने का ही जरूरत नहीं होता आप लोगों को. बट पहले कहानी आप एक तो वह हम डेप्रिसिएशन ही नहीं देंगे और कहानी वह मेरा डेप्रिसिएशन जीरो आया. दोनों में फर्क है ना रे बाबा. आप रेडी हैं डेप्रिसिएशन देने के लिए, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग. बोलिए इसके बारे में क्या बोल रहे हैं. दो साल का डेप्रिसिएशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, खाली ये बोलना है. होना चाहिए. और इस दो साल में जो असेट के पीछे खर्चा हुआ है वो कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए. यहां दोनों चीज लिखो. देन द डेप्रिसिएशन शुड बी charged for 2 years and capitalization of expense क्यों बंद हो जाना चाहिए मुन्ना? हाँ, क्योंकि मैनेजमेंट को जैसा यूज करने के लिए असेट चाहिए था वैसा तो बन गया. तो अब आप यूज नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करें? पर जैसा बनना था वैसा तो बन ही गया, तो फर्दर एक्सपेंस को आप कैपिटलाइज कैसे कर सकते हैं? आप तो फिर पहला वाला डेफिनेशन को पिछला क्लास का पढ़ाई को ही पूरा वायलेट कर देंगे. फिर कोई सेंस ही नहीं हुआ ना पिछला क्लास को पढ़ाई करने का. एकदम क्लियर हो गया बात. नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 30. खत्म नहीं हुआ, क्या हुआ बता? ऑफ एक्सपेंस ऑन द असेट In these 2 years should stop. हाँ, अब ये चीज बताओ तो. एक तो चीज थोड़ा सा पहले हम भी बता दें आपको बढ़िया से. देखिए, लास्ट वाली क्लास में एक तो बात उठा था अपना क्लास में, और वो बात ये था कि मेरे पास एक असेट है, 100 करोड़ में हम खरीदे थे, अभी डेप्रिसिएशन दे दे के 30 करोड़ रुपया उसका WDV बचा है. WDV, और अब हम इसको रिटायर कर दिए फ्रॉम एक्टिव यूज. नाउ इट इज नो लॉन्गर गेटिंग यूज इन माई बिजनेस, इट इज रिटायर्ड फ्रॉम द एक्टिव यूज, साइड कर दिए. लेकिन अभी भी हम इसको हेल्ड फॉर डिस्पोजल में नहीं डाले हैं. कहानी दो ठो है रे, कि रिटायर कर दिए और हेल्ड फॉर डिस्पोजल में डाल दिए, मतलब अब ये बिकने के लिए रेडी है. तो जनरली व्हाट हैपेंस व्हेन यू रिटायर एन असेट, ऑन द सेम डे यू पुट द असेट फॉर डिस्पोजल, कि भाई दिस इज रिटायर्ड, नाउ इट इज हेल्ड फॉर डिस्पोजल. बट से एक क्वेश्चन पेपर के लिए,
कि आई रिटायर्ड द असेट बट आई हैड नॉट येट पुट द असेट फॉर डिस्पोजल, इट इज नॉट हेल्ड फॉर डिस्पोजल. माई क्वेश्चन इज, मान लीजिए आई रिटायर्ड इट ऑन 1/4/70 एंड हाँ समझ गए एंड आई एम डिसाइडिंग ऑन इट्स डिस्पोजल ऑन से 1/4/20. हम 1/4/2020 को सोचेंगे हमको इसको बेचना है या नहीं बेचना है, लेकिन हमने 1/4/2017 को इसको एक्टिव यूज से वो कर दिया, रिटायर कर दिया. माई क्वेश्चन इज, विल आई चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर दीज 3 years? बिकॉज कल मैंने आपको ये लेक्चर दिया था, आपको हेल्ड फॉर डिस्पोजल वाला, हाँ या ना बोलो? नहीं दिया था, ऐसा हम लोग नहीं पढ़े थे. मैं एक चीज आपको और पढ़ा दूं, पहले बाद में भी बोलेंगे. अगर ना हम कोई असेट को रिटायर कर देते हैं एक्टिव यूज से और उसको और एंड हाँ एंड उसको डिस्पोजल के लिए रख लेते हैं कि भाई अब ये डिस्पोज हो जाएगा, तो उस असेट पे इमीडिएटली डेप्रिसिएशन बंद हो जाता है और उस असेट का वैल्यूएशन ऑलमोस्ट इन्वेंट्री की तरह होता है. दैट इज कैरिंग अमाउंट एंड एनआरवी विच एवर इज लोअर. बताए थे आप लोगों को? नहीं बताए तो पहले यह चीज सुन लो, पहले यह चीज सुन लो. इफ एन असेट इज रिटायर्ड एंड, माइंड दिस वर्ड एंड, हेल्ड फॉर डिस्पोजल, इंस्टीट्यूट ने दो रूल दिया, तुरंत आप डेप्रिसिएशन देना बंद करो और आज के बाद उस असेट का वैल्यूएशन WDV, उस असेट का जो WDV था उस दिन, एंड NRV, बेचोगे तो जितना पैसा मिलेगा, विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करो और जो डिफरेंस आता है P&L में डालते चलो. ये उस असेट के रूल हैं, विच इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल. लेकिन ये थोड़ी मैंने अलग से डिजाइनिंग करके दी है. एन असेट विच इज रिटायर्ड बट इट इज नॉट हेल्ड फॉर डिस्पोजल, I will decide about its disposal on 1/4/20. 1/4/2020 को बात करेंगे, बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, लेकिन हम यूज नहीं कर रहे हैं. क्या लगता है बोलिए? Let's think about its depreciation. लगना चाहिए ना? हाँ वो सब ठीक है, वो सब वैल्यू वाइज जो भी कम बेसी होगा वो अलग बात है. Should we continue charging depreciation? खाली उसका जवाब दीजिए, yes or no. ठीक है, आप ये बोल सकते हैं डेप्रिसिएशन में भी स्मॉल बिग एज पर यूसेज मेथड 0. अब मान लो यूसेज मेथड से हम डेप्रिसिएशन डाल रहे हैं तो बिल्कुल भी यूज ही नहीं हुआ तो डेप्रिसिएशन में भी 0, बट वी शुड कंटिन्यू चार्जिंग द डेप्रिसिएशन. स्टॉपिंग कब होगा? जब हेल्ड फॉर डिस्पोजल, क्योंकि हेल्ड फॉर डिस्पोजल में आने से ना एक नया रूल प्रिवेल करने लग जाता है. एक बड़ा इंडेस है, इंडेस का नाम ही है डिस्पोजल असेट्स, मतलब वो असेट जिसको हम लोग डिस्पोज करने के लिए रखे हैं. उस तरह की असेट को बैलेंस शीट में अलग से डिस्क्लोज किया जाता है, मानो उसका हेड भी अलग से है. इंडेस में आप लोग पढ़ेंगे, 105 नंबर है. लिखिए अभी क्या क्या पॉइंट बताए हम, नया होगा ना. लिखो, इफ एन असेट इज रिटायर, दोनों लिखेंगे हाँ, पहले मैं एंड वाला लिखा रहा हूं फिर नॉट वाला. लिखो, इफ एन असेट इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड, ये कल नहीं पढ़ाए थे एंड वाला पक्का, एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल, जैसे मेरे यहां पे ना, मैं आपको 3 एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, एक ही देता हूं हाँ, बहुत प्रैक्टिकल. मेरे पास ना, जैसे ये हमने एक नया कैमरा लगाया लास्ट ईयर, डॉक्यूमेंट कैमरा बोलते हैं, ये 2 लाख रुपए का कैमरा है. ठीक है, इसके पहले एक कैमरा था ब्लैक कलर वाला. ठीक है, अब दैट कैमरा इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज, हटा दिया उसको, क्योंकि इससे ना पिक्चर वो HD HDMI ना, क्या तुम लोग बोलते हो, HD पिक्चर होता है ना, HD क्वालिटी और नॉर्मल क्वालिटी, हाँ वो हाई डेफिनेशन, सॉरी हाँ, वो हमको सब वर्ड उड़ नहीं मालूम, बच्चा लोग बोलता स्टाफ लोग वो HD, तो वो HD वाला क्लैरिटी आता है इसमें, उस कैमरा में वो नहीं था, तो मैंने उसको रिटायर कर दिया. लेकिन अभी भी वो डिस्पोजल के लिए नहीं है, मैंने अभी भी डिस्पोजल के बारे में नहीं सोचा है.
तो हम उस पर अभी भी डेप्रिसिएशन दे रहे हैं। डिड यू गेट द पॉइंट? लिखो। हाँ एक्चुअल में आता है ये, एक्चुअल में वो जो एसडी ना, क्या एचडी के अलावा क्या होता है, हाई डेफिनेशन के अलावा एचडीएमआई ना, स्टैंडर्ड डिवीजन, जो भी वो स्टैंडर्ड वाला जो था वो आया था 90,000 में, पर वो काफी साल पहले 90,000 में आया था, अब तो उसके दाम काफी कम हो गए। अभी क्या सारा जगह पे क्वालिटी लोगों को एचडी वाला चाहिए, माने वो जो कैम, आप लोग मोबाइल भी जो यूज करते हो उसमें भी आप लोगों को हाँ वो चमक अच्छा चाहिए, तो इस कैमरा से वो ग्लेज अच्छा आता है। इसके लिए पूरा वायरिंग चेंज करना पड़ता है, मतलब आई हैव टू स्पेंड अराउंड 23 lakhs ऑफ रुपीज अलोंग विद द कैमरा, इंटायर वायरिंग सिस्टम हैज टू बी चेंज्ड, इंटायर जो मशीन आता है ना रिकॉर्डिंग करने का, बिकॉज अभी रिकॉर्डिंग क्लासेस बहुत चलने लग गई है, कलकत्ता में बहुत सारा रिकॉर्डिंग क्लासेस चलता है, हम लोगों का ये वाला बैच जब रिकॉर्डिंग होता है तो इसी का इवनिंग में एक तो क्लास चलता है। आप लोग ये क्लास मिस करते तो कब करते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, फिर अलग से ना बहुत सारा रिकॉर्डिंग बैच स्टार्ट होता है आपके लाइव क्लास से और इवनिंग क्लास से, बहुत ज्यादा बच्चे रिकॉर्डिंग बैचेस में पढ़ते हैं, 10 times 15 times मोर बच्चे लोग, तो उनको वो क्वालिटी अच्छा चाहिए, टीचर भी नहीं रहेगा और इसका फोटो भी ठीक से नहीं दिखेगा, तो दे फील बैड, तो इसके लिए वी हैव टू स्पेंड अ लॉट एंड इट्स रिवॉर्डिंग अस, आई मीन वी आर गेटिंग गुड रिटर्न्स। लिखो, क्या लिखा पहले बोलो, एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल, देन वी शुड, दो बातें बोलना, हाँ, स्टॉप डेप्रिसिएटिंग द एसेट एंड वैल्यू इट, बोलो, एट लोअर ऑफ WDV एंड NRV, फुल स्टॉप। अब एक नया पैरा लिखो, इफ एन असेट इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज, नहीं नया पॉइंट बनाओ अच्छा रहेगा, इफ एन असेट इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज बट इज नॉट हेल्ड फॉर डिस्पोजल, देन द डेप्रिसिएशन शुड कंटिन्यू फुल स्टॉप, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन मे बी स्मॉल और इवन जीरो, जहां पे जीरो लिखे हो वहां यूसेज मेथड कर दो। ये एक बड़ा बात बोलना था सर आपको, ये बात मेरा खत्म होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 33। अच्छा मैंने बोला था 7-8 पॉइंट है, अब हमको लग रहा 15 पॉइंट हो जाएगा। अलग 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 आप लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हैं डेप्रिसिएशन में, तो हम भी पॉइंट को थोड़ा इलाबोरेट करके डिवाइड करके पढ़ा दे रहे हैं। चलिए पॉइंट नंबर 33 लिखिए, यूजफुल लाइफ ऑफ एन असेट इज डिटर्मिंड। एक तो आगे पढ़ाने के पहले एक तो इस चीज का भी फाइट देखो, मजा लो, पॉसिबल है, और एकदम दिमाग खुला करके जिस तरह से अभी तक रिएक्ट कर रहे हो ना 1.5 घंटा से, वैसे रिएक्ट करो, पॉसिबल है कि नहीं हमको बताइए। मेरे लिए एक असेट का यूजफुल लाइफ 10 साल, असेट में भी एक्सपेक्टेड फॉर 15 years टू वर्क, बट आई पक्का डिस्पोजिट ऑफ इन 10 years, हमको रखना ही नहीं 10 साल से ज्यादा, फोन 2 साल से ज्यादा रखना ही नहीं मेरे को, बाहर में जाए बाकी दुनिया उसको 10 साल तक रखती रहे,
पॉसिबल है कि नहीं है, तो आप बताइए डेप्रिसिएशन किस पीरियड में चार्ज होना चाहिए। हाँ, एंड पीपल शुड अंडरस्टैंड, आप फाइनल में, आप लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। आईपीसीसी में तो वहां लाइफ इज लाइफ, एक्सपेक्टेड यूजफुल का डिफरेंस कौन पड़ता है, पर फाइनल में तो आपको इस चीज का नॉलेज होना चाहिए। नहीं? तो ये पॉइंट थोड़ा देर बाद में लिखाते हैं, अभी वो लिखो जो मैं लिखा रहा था। बोलो, इज डिटर्मिंड बाई कंसीडरिंग द फॉलोइंग फैक्टर्स। ए वियर एंड टियर, बी ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस का ये स्पेलिंग हमको कभी समझ में नहीं आया, ये किस लिए यहां पे है, सुप्रीम कोर्ट। हमको पता सीधा सीधा हो सकता था कि नहीं, पूरा ये ही भी दरकार नहीं है। नहीं लगता आपको ऑब्सोलेंस ऐसे ही होना चाहिए? ओ ऑब्सोलेंस ही तो बोलते हो, इतना साइलेंट, कहीं के साइलेंट, कहीं एल साइलेंट, कहीं क्या साइलेंट। आगे ए में क्या लिखा, वियर एंड टियर, बी में क्या लिखा, ऑब्सोलेंस, सी में लिखो यूसेज, और डी में लिखो एक्सपायरी डेट। हाँ भाई, एक्सपायरी डेट, लीगल ब्रैकेट में लिखो लीगल, लीगल लिमिट्स। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग बात है, अगर किसी असेट का एक्सपायरी डेट हुआ तो मेडिसिन का होता है, असेट का क्यों नहीं हो सकता है। चार साल से ज्यादा काम करोगे तो साला वो ऐसा एमिशन करने लग जाएगा असेट। हाँ, डीजल कार ही, और अभी दिल्ली में तो हो ही गया ना, इतना साल से ज्यादा यूज नहीं कर सकते आप उसको, अगर एक्सपायरी डेट हुआ तो। साला नया नया रखे एकदम, हमारा गाड़ी बहुत कम यूज होता है, क्या काम आएगा यूसेज इफ देर इज एन एक्सपायरी डेट। अगर किसी एसेट का एक्सपायरी डेट है तो एक्सपायरी डेट के अंदर अंदर डेप्रिसिएशन दे देना चाहिए, यस और नो बोलिए। सो ये सब चीजें कंसीडर करके यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट डिटरमिन होना चाहिए। आगे नंबर 34, वी मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन useful life and economic, estimated life को अच्छा word देते हैं, and economic life of an asset। Full stop। Depreciation should be allocated over the useful life of the asset। Full stop। Useful life may be shorter than the economic life of an asset। सर, एक मोबाइल फोन का इकोनॉमिक लाइफ मान लीजिए 4 साल का है, और मेरे लिए यूजफुल लाइफ 2 साल का, पॉसिबल है? बोलिए यस और नो। हम 2 साल में पक्का रिप्लेस कर देते हैं, क्या करना चाहिए मेरे को, मेरे मोबाइल को डेप्रिसिएशन 2 साल में दे देना चाहिए। हाँ, बिकॉज ऑफ दिस 2 ईयर्स माई रेसिजुअल वैल्यू में चेंज, मेरे को रेसिजुअल वैल्यू को एस्टिमेट करना पड़ेगा, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन माई डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज्ड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ एंड नॉट द इकोनॉमिक लाइफ।
नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 35, लैंड एंड बिल्डिंग। आपको जवाब देना है, हम आगे नहीं बोलना चाहते हैं। नहीं, अप्रिसिएट होता है, दैट्स अ सेपरेट बॉल गेम, दैट इज रिलेवेंट फॉर रिवैल्यूएशन मॉडल। आई एम टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल कॉस्ट मॉडल। व्हाट डू यू थिंक अबाउट लैंड एंड बिल्डिंग एंड इट्स डेप्रिसिएशन? स्ट्रेट लाइन WDV इज माय मेथड सिलेक्शन। आई एम टॉकिंग अबाउट लैंड एंड बिल्डिंग। सिर्फ बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन होना चाहिए, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए? बिकॉज वो जो डेप्रिसिएशन के जो कुछ क्राइटेरिया हैं, यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट इज जनरली अनलिमिटेड, लैंड का यूजफुल लाइफ इज अनलिमिटेड। नाउ से सच्ची में ऐसा है कि लैंड का यूजफुल लाइफ इज अनलिमिटेड, बिल्डिंग का यूजफुल लाइफ इज लिमिटेड, एस्टिमेशन हो गया सब कुछ का, मेरा बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग 400 करोड़ है, व्हाट शुड आई डू? सेपरेट करना पड़ेगा ना, मेरे को लैंड का अलग से और बिल्डिंग का अलग से कॉस्ट को अलोकेट करना पड़ेगा, और लैंड को नो डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग को डेप्रिसिएट करना पड़ेगा। सेपरेट असेट है, मान के डेप्रिसिएशन देना होगा। ओके, लिखो, लैंड एंड बिल्डिंग आर टू सेपरेट असेट्स, फुल स्टॉप, विथ सम एक्सेप्शंस। लैंड हैज अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ, एंड देयरफॉर शुड नॉट बी डेप्रिसिएटेड। शुड नॉट बी डेप्रिसिएटेड, फुल स्टॉप। बिल्डिंग शुड बी डेप्रिसिएटेड नॉर्मली, फुल स्टॉप कर दो। अच्छा, वाई इट इज रिटन विथ सम एक्सेप्शंस? वर्ड पढ़िए और बताइए क्यों ऐसा लिखा गया, विथ सम एक्सेप्शंस लैंड हैज अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ। अगर हमको कोई ऐसा लैंड मिला जिसको आई कैन यूज फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद गवर्नमेंट वहां पे कॉलोनी बनाएगी, नहीं होता है? या उसके बाद हम आपको यूज नहीं करने देंगे, ग्रीन सिटी बनेगा यहां पे, फैक्ट्री डिसमेंटल करना पड़ेगा। तो हमको लैंड ही अगर 50 साल के, जैसे वी आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, सच्ची बात बोल रहे हैं, अभी बातचीत चल रही है, हम लोग जिंजर प्लांटेशन करेंगे, हम लोगों का एक तो मसाला का काम हम लोग स्टार्ट किए, एक स्मॉल स्टार्टअप है, हम लोग इसको स्टार्ट किए अभी, तो इसमें एक बंदे से बातचीत चल रही है, उसके पास 40 एकड़ जमीन है, हम लोग अगले 50 साल के लिए इस जमीन पे खेती करना चाहते हैं, तो वी वॉन्ट टू बाई इट फॉर 50 ईयर्स। 50 ईयर्स के बाद आप अपना असेट वापस ले लीजिएगा। अगला 50 साल, हमको लग रहा है कि हम 50 साल से बेसी और जिंदा नहीं रहेंगे, 50 के 30 भी नहीं रहेंगे, पर मान लो एक तो मैक्सिमम लाइफ अपना 50 साल सोचें आगे, बोली क्या करना चाहिए, हम 50 साल के लिए उसको वन, मतलब उसको एक तो पेमेंट डिसाइड किया अराउंड 12 करोड़ रुपया, बोली इस 12 करोड़ पे हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए, या अभी हुआ नहीं है, डील सील नहीं हुआ, जस्ट बातचीत चल रहा है। मेरा दोस्त का साला ही है जो जिसका जमीन है, और हम लोग क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं, तो वे जस्ट नेगोशिएटिंग। एक तरह का लीज होल्ड लैंड है, यस, एक तरह का लीज होल्ड लैंड है, यू कैन से दैट। इस 12 करोड़ पे हमको डेप्रिसिएशन देना चाहिए कि नहीं? हम 12 करोड़ वन शॉट पेमेंट करेंगे उसको, क्या करें बोलिए इस 12 करोड़ को, हम 12 करोड़ उसको वन शॉट में पेमेंट करेंगे, आप अगले 50 साल के लिए हमको जमीन दे दीजिए, 50 साल बाद जमीन आपका, करना चाहिए कि नहीं? बिकॉज दिस लैंड हैज अ लिमिटेड यूजफुल लाइफ। बिल्कुल बच्ची करेक्ट बोल रही है, सर ये तो लीज होल्ड असेट हो गया, तो 12 करोड़ का पेमेंट को क्या करें बताइए?
कैपिटलाइज करके 150th करके डेप्रिसिएशन देना चाहिए कि नहीं? 150 आप ठीक है यूसेज देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है इनिशियल पीरियड में जिंजर ज्यादा आएगा, बाद के पीरियड में जिंजर्स कम आएंगे, कल्टीविटी वो क्या तुम लोग उसको बोलते हो, हाँ उसका फर्टिलिटी कम होता जाएगा, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को अलग बात साइड में रख दीजिए, पर डेप्रिसिएशन हो सकता है ना। नाइस, थैंक यू। आगे ये स्टोरी खत्म, डेप्रिसिएशन स्टोरी इज ओवर। कितना पैराग्राफ का था टोटल? 35, मतलब कहां से चालू हुआ था? 22 से, तो 14 पैराग्राफ का ये नोट है। अब आइए नया डिस्कशन लिखिए, चेंजेस इन द क्या, चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ एन असेट। लिखिएगा द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एन असेट जनरली डज नॉट चेंज फुल स्टॉप, बट इफ there is a change in the duties, comma, there is a price adjustment, or a foreign exchange fluctuation comma करके लिखिएगा the cost of the asset may या will कर दो, may क्यों, will change Let us discuss these three one by one. तीन ठो मैंने क्या क्या बताया बताइए, तीन ठो ऐसा नाम बताया जिसके कारण cost of the asset will change. Give me the three names. Duty changes. आइए दूसरा नाम बताइए, price adjustment. तीसरा नाम बताइए, foreign exchange fluctuations. इसके बाद हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे, that is चेंजेस इन द डीकमिशनिंग लाइबिलिटी एस्टिमेट। आपको डीकमिशनिंग लाइबिलिटी याद है? हेलो, डीकमिशनिंग लाइबिलिटी याद है? नया चीज पढ़े थे, उसके चेंज को लेकर के भी लेक्चर पढ़ेंगे। पहले ये तीन तो चेंज के बारे में आइए डिस्कस करते हैं। सुनिए, हमको बताइए, हम एक असेट इंपोर्ट करके लाए, हम लाए 1416 को, 100 करोड़ की असेट थी, मेरे को ड्यूटी देना पड़ा 20 करोड़ रुपया। असेट लाए, यूज करने लगा, धन सब ठीक चल रहा है। 2 साल के बाद एक चिट्ठी आया, बोला आपसे ड्यूटी ओवरचार्ज कर लिया गया है, सरकार ने इस तरह के असेट पे ड्यूटी को बदल दिया है, हम आपका ड्यूटी का 5 करोड़ रुपया आपको वापस करना चाहते हैं। उन्होंने 5 करोड़ रुपया का चेक भेज दिया, बोला आप जिस तरह का असेट यूज कर रहे हैं ना, वो बड़ा अच्छा असेट है, सोसाइटी के काम आ रहा है, एनवायरमेंट को सेव कर रहा है, क्या करें, शुड इट बी कंसिडर्ड एज योर इनकम और शुड इट रिड्यूस योर कॉस्ट। बैंक अकाउंट को डेबिट करके क्या करना चाहिए, इनकम या कॉस्ट रिडक्शन? कॉस्ट रिडक्शन, द सेम थिंग। मान लीजिए हम एक असेट खरीदे किसी से, 100 करोड़ का असेट था, उसको 96 करोड़ दे दिए थे, 4 करोड़ रुपया क्रेडिट आउटस्टैंडिंग पड़ा था, 3 साल बाद उसने बोला जाओ सुदर्शन माफ, नहीं देना होगा पैसा, इतना पैसा कमाए थे ना यार इस पे कि अब 4 करोड़ लेने में शर्म आ रहा है। नहीं समझे अभी भी? बोला यार इस अकेला असेट पे 24 करोड़ रुपया कमाए थे,
अब ठीक है तेरा 4 करोड़, इधर से मान लो सप्लायर को और कहीं से बहुत इनकम आ गया जी, उसको लगा कि इसको माफ कर देना चाहिए, तो उसने बोला जाओ 4 करोड़ माफ। बोलिए इनकम या कॉस्ट रिडक्शन, जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। अगेन इट्स ए कॉस्ट रिडक्शन। अब आइए ये नया चीज, हाँ आप लोगों के लिए थोड़ा सा बड़ा चीज। आई एम टीचिंग यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 पैरा 46A। एस 11 का ये पैरा को एस 10 के साथ पढ़ाने का लॉजिक ये है कि इट इज कनेक्टेड टू कैपिटल असेट्स। एस 11 इसलिए इट्स कनेक्टेड टू फॉरेन एक्सचेंज। एस 11 याद है क्या नाम है? सर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन ही नाम है। अब सुनिए कहानी क्या है। अगर मान लीजिए हम एक प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट खरीद के लाए और अमेरिका से लोन लिए, हम लोन लिए $10 लाख, लोन लिए 1/4/16 को, एक्सचेंज रेट वाज 60। व्हाट इज एक्सचेंज रेट वाज 60 मींस 600 लाख रुपीज, माने 1 रुपी है, क्या नाम फिर ठीक से बोलो तो $1, ये मुना मोबाइल छोड़ थोड़ा देर, $1 इक्वल टू 60 रुपीज। 31/3/17 को क्या हुआ ना, डॉलर वाज कोटिंग एट 70 रुपीज, डॉलर 70 रुपया हो गया, मेरा लाइबिलिटी का क्या हुआ बताओ, मेरा लोन लाइबिलिटी का क्या हुआ, बढ़ गया। आप लोग उसमें SFM में पढ़ते हैं ना फॉरेक्स, मेरा लाइबिलिटी बढ़ गया। अब लाइबिलिटी अगर बढ़ गया तो मेरे को लॉस हो गया, $10 लाख का लाइबिलिटी है, $10 पर डॉलर बढ़ गया तो मेरे को 100 लाख रुपीज का लॉस हो गया। बोलिए क्या करें, 100 लाख रुपीज का लॉस है। P&L टू लोन लाइबिलिटी, एक बच्चे ने बोला लॉस लिखो P&L में। एक बच्चे ने बोला असेट में डाल दो, कैपिटलाइज कर दो, लॉस मत लिखो। आइए मारपीट, कुछ क्वालिफाइंग का चाहिए, इंटरेस्ट है क्वालिफाइंग, इंटरेस्ट है ही। एक बच्चा क्वालिफाइंग असेट बोलने की बात कर रहा है, क्वालिफाइंग असेट इज ओनली इंटरेस्ट के लिए। जानते हैं दोनों बच्चा लोग सही है, ऑप्शनल ट्रीटमेंट है। आपको लगेगा एक गलत एक सही तो पक्का होगा, ऑप्शनल ट्रीटमेंट है, बट दैट ऑप्शन, सबको सीरियसली सुनिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 पैरा 46 एंड 46A सेज दैट अगर कोई लोन है और अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन है और आप उसको किसी असेट को खरीदने के लिए यूज करते हैं तो उस लोन में होने वाला फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कैन आइदर गो टू PL और इट कैन गो टू कैपिटलाइजेशन, गो फॉर कैपिटलाइजेशन एज पर द ऑप्शन ऑफ द एंटिटी। लेकिन ये जो ऑप्शन है ना, ये आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा और इस ऑप्शन को रिवोक करने का ऑप्शन नहीं है। मीनिंग बताओ, लास्ट वर्ड का मीनिंग बताओ, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ रिवोकेबिलिटी, यू कांट रिवोक द ऑप्शन, यू कांट चेंज द ऑप्शन। हाँ, एक बार ऑप्शन जो डिसाइड हो गया ना, बस हो गया, आपने एक बार डिसाइड कर लिया PL तो PL, हमेशा PL, 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 जब तक लोन रहेगा PL, PL, एक बार कैपिटलाइज डिसाइड कर लिया तो कैपिटलाइज कैपिटलाइज। यू नो इसमें एक 20-20 रूल है, किसी को भी याद है तो बोलो। हम IPCC में बच्चों को हिंट देते थे, 2020 का रूल है एक, हाँ ये ऑप्शनल ट्रीटमेंट इज ओनली अवेलेबल टिल 2020। अभी कौन सा साल चल रहा है, 17-18 में रहेगा, 18-19 में रहेगा, 19-20 में रहेगा, उसके बाद ओनली PL, उसके बाद, अच्छा हम सही बोले नहीं, उसके बाद ओनली PL, कैपिटलाइजेशन का रूल हट जाएगा। वैसे वर्ल्ड में बाकी कंट्रीज में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, वहां पे कैपिटलाइजेशन अलाउड ही नहीं है, इट्स ओनली PL वर्ल्ड वाइड। इंडिया में ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में डाला गया है, विच आई पर्सनली डिसलाइक, बट स्टिल इट इज गुड फॉर कॉर्पोरेट एंटिटीज। 100 करोड़ रुपया का हिट अगर PL में पड़ेगा एक साथ तो थोड़ा सा नहीं, टैक्स इज नॉट एन इश्यू, टैक्स का कंप्यूटेशन तो इनकम टैक्स के हिसाब से होता है, दिस इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। PL में हिट पड़ेगा तो प्रॉफिट गिर जाएगा ना, तो उसको बचाने के लिए किया गया, बिकॉज डॉलर इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे, सो एवरी कंपनी इज इनकरिंग लॉसेस एंड लॉसेस एंड लॉसेस एंड लॉसेस, एंड इफ ऑल दोज लॉसेस विल हिट द P&L,
द कॉरपोरेट प्रॉफिटेबिलिटी विल बी बैड, उसको बचाने के लिए रूल लाया गया. आई रिमेम्बर दिस रूल केम इन 2009. अभी कौन सा साल चल रहा है? 17, 2009 हमको अच्छे से याद है. मनमोहन सिंह वॉज ऑन द टॉप. 2009 में जब लाया ना, सुनेंगे थोड़ा सा हिस्ट्री इसका. वर्ल्ड में कहीं पे भी रूल नहीं है. वर्ल्ड में हर जगह पे क्या रूल है? पीएल. इंडिया में 2009 मार्च 31 तारीख को अनाउंस हुआ, ऑफिशियल गैजेट कंपनी लॉ मिनिस्ट्री. जब 2009 में रूल लाया तो बोला 2011 तक रखेंगे, दो साल का छूट दे रहे कंपनी, सुधर जाओ. कंपनीज के लिए लाया. 2011 जब खत्म हुआ तो बोला एक साल और दे रहे हैं 2012. 2012 खत्म हुआ, बोला और आठ साल दे रहे हैं 2020, और नहीं बढ़ेगा. अभी मुश्किल है, अभी 2020 भी ठीक नहीं है. आज के दिन यही सिस्टम है 2020. अरे इसके लिए IFRS में एक वो रूल बनाया गया अलग से कि पुराना लोन को 2020 तक तन्ने देंगे, नया लोन जो लोग इंड एस वाली कंपनी नहीं है क्या, 250 करोड़ वाले कंपनी लोग, उनको उनको स्ट्रिक्ट किया गया है. उनको बोला गया इफ यू हैव योर ओल्ड लोन्स कंटिन्यू टिल 2020, बट इफ यू आर टेकिंग अ न्यू लोन नो कैपिटलाइजेशन, इट हैज टू गो टू P&L. बट एनीवे, देखिए अकाउंट्स में भी इतना सारा उठा पटक होता है, ये चीज देखिए. चलिए आगे चलते हैं. लाइबिलिटी खड़ा था, लाइबिलिटी अकाउंट जिस जैसे तेरा पहला एंट्री क्या हुआ था, देखो कहां गया तेरा फिगर, कहां है ये रहा. व्हेन यू बॉट दी असेट योर एंट्री वाज असेट अकाउंट डेबिट 100 करोड़. ये फिगर याद है ना तुमको बेटा? टू कैश अकाउंट 96 करोड़, टू सप्लायर का नाम मान लो एबीसी लिमिटेड 4 करोड़. अब ये एबीसी लिमिटेड जब आपका लाइबिलिटी माफ कर देगा तो एबीसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट. लिखिए पैरा चेंज कीजिएगा, नंबर सेम रखिएगा. आप लोग पैराग्राफ नंबर कितना दिए इसको? 36. हाँ ठीक है. लिखिए इफ अ लॉन्ग टर्म लोन इज टेकन इन फॉरेन करेंसी टू परचेज अ प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट देन द फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन इन द बोरोइंग कैन बी डेल्ट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टू वेज. In any of the following two ways, वहीं नीचे लिखिएगा, दोनों वे लिख दो, ट्रांसफर टू P&L और कैपिटलाइज्ड. ठीक है, नीचे लिखिएगा दिस ऑप्शन इज, हां एन अकाउंटिंग पॉलिसी, इसको एक अकाउंटिंग पॉलिसी की तरह इज्जत देना है. मतलब आपको अपने नोट्स में लिखना पड़ेगा कि हम लोग फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को कैपिटलाइज करते हैं या हम लोग फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को पीएल में भेजते हैं, या आपको अकाउंटिंग पॉलिसी की तरह ट्रीट करना पड़ेगा. एंड इट इज इरिवोकेबल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इरिवोकेबल? चेंज नहीं कर सकते. जैसे कभी लॉस हुआ तो कैपिटलाइज कर देंगे, पीएल हुआ तो इनकम में भेज देंगे. ये भी तो लोग कर सकता है ना, तो ये आपको करना अलाउड नहीं है. इट्स ऑप्टेड वंस
ऑप्टेड फॉर एवर, शादी की तरह का कहानी है। आगे लिखिए नया पॉइंट। अच्छा सुनिए, इसको इसमें पढ़ाने, अच्छा इस वहां ब्रैकेट में लिख लीजिए पैरा 46, माने लोग इसको ना पैरा 46 से नाम से जानते हैं। पूरा बड़े लोगों से किसी से बात करोगे, ओके यू आर टॉकिंग अबाउट पैरा 46, ये रूल पैरा 46 के नाम से फेमस है। ऑब्लिक 46 ए ऑफ एएस 11। अच्छा हम यहां क्यों पढ़ाए रे, आज क्यों पढ़ाए? हाँ, क्योंकि आज प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट पढ़ रहे हैं, और अगर प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट का अमाउंट चेंज होने का स्कोप तो है ना जी। क्यों चेंज है बोलो, क्यों चेंज होने का स्कोप है? कैपिटलाइज, हाँ अगर कोई एंटिटी बोलेगा हम तो कैपिटलाइज वाला ऑप्शन फॉलो करेंगे, तो बच्चों को तो बताना पड़ेगा ना, ये भी चेंज होने का एक जगह है, यहां से भी कैपिटल असेट का अमाउंट चेंज हो सकता है। और ये चीज ना तुम लोगों को हम शेड्यूल 3 में भी पढ़ाए होंगे, आप लोगों को गाइडेंस नोट याद है, शेड्यूल 3 का गाइडेंस नोट याद है, उसमें भी हम जरूर पढ़ाते हैं बच्चों को। चलो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 37। लिखो चेंज इन द इनिशियल एस्टीमेट ऑफ डीकमिशनिंग लायबिलिटी बताइए, मजा आएगा बहुत। क्या चीज था ये? डिसमेंटलिंग कॉस्ट, याद है ना? अब मान लीजिए हम लोग कोई एग्जाम्पल में, मुझे याद नहीं कोई एग्जाम्पल कितने का था, लेकिन मान लो 32,000 रुपया का लाइबिलिटी, मुझे 32,000 अमाउंट क्यों याद आ रहा है मालूम नहीं, 32,000 रुपया सोचे, छोड़ दो ना, अगर कुछ गलत होगा तो शर्म आएगा ना कि 32,000 जो मेरे को याद था उस अलग ठीक याद था कि नहीं। अच्छा हम कंफर्म है कि 32,000 ही होगा, 19,000 कुछ उसका पीवी था, है ना, ऐसा कुछ था ना, 30 था, जाओ देखो 32 था कि 30 था, चलो देखते अब साला चैलेंज ही हो गया। चलो चलो 32,000 होना चाहिए ऐसा मेरे को लगता है ना, 19,000 ना कितना उसका पीवी था, हाँ तो फिर भी डर लगता है ना, मेमोरी थोड़ा सा फेड होता जा रहा है, उम्र होता जा रहा है। इधर आइए सुनिए, मैं ये बोल रहा था बच्चों, अगर कोई डिकमिशनिंग लायबिलिटी है, आप तो जानते हो इसको पीवी निकाला जाता है, निकाल के कैपिटलाइज किया जाता है, इसका एंट्री भी सिखाए थे हम, पूरा जर्नल एंट्री देकर के आपको एक्सप्लेन किए थे। अब मान लीजिए उसमें चेंज हो रहा है, और चेंज होने के कारण आपको डिकमिशनिंग लायबिलिटी और क्रेडिट करना पड़ रहा है, इंक्रीज, टेल मी द जवाब, व्हाट शुड बी डेबिट? बोलिए व्हाट शुड बी डेबिट? एसेट। गुड, क्यों सर? अभी ऐसा फील होने लग गया है कि हम लोग जानने लग गए, पढ़ पढ़ के अभी लगने लग गया कि वी आर ऑलमोस्ट नोइंग इट। गुड, यस, इंस्टीट्यूट ने बोला एसेट को डेबिट करो, अगर डिकमिशनिंग लायबिलिटी आपको क्रेडिट करना पड़ रहा है ड्यू टू द चेंज इन द एस्टिमेट्स, आप असेट को डेबिट करो। अच्छा अब एक तो चीज छेड़ते थोड़ा सा, आप असेट डेबिट किए एंड मान लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28, किसी को याद है क्या नाम था, पढ़े थे आप लोग इंपेयरमेंट, उसका रिकवरेबल अमाउंट इसके बढ़ने के कारण, माने ये बढ़ रहा है, अब जब आप तो बोले असेट को डेबिट करेंगे, तो मान लीजिए आपने एसेट को डेबिट किया, डेबिट करने के कारण कैरिंग अमाउंट बढ़ेगा। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 बोल रहा है कि रिकवरेबल अमाउंट उतना नहीं है, क्या करें? एसेट शुड इमीडिएटली बी पुट टू द टेस्ट ऑफ इंपेयरमेंट, यस और नो, और अकॉर्डिंगली जो एक्स्ट्रा आपको बढ़ाना है वो बढ़ाने नहीं मिलेगा, टू द एक्सटेंट इट्स रिकवरेबल अमाउंट आपको बढ़ाना पड़ेगा। सो एज 28 विल ऑल्सो कम इन टू द पिक्चर, पर एक बार अगर एज 28 को इग्नोर कर दे, चलो मान लो रिकवरेबल अमाउंट बहुत बड़ा है,
तो आराम से कैरिंग अमाउंट को बढ़ा दीजिए. यू आर करेक्ट. लिखो. हेडिंग क्या दिए? गुड. ए नंबर करके लिखो. इफ द लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग हा, देन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट शुड बी इंक्रीज्ड. फुल स्टॉप कर दीजिए. हाउ एवर इफ देयर इज एन इंडिकेशन, वर्ड याद कीजिएगा, इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट हम लोग यूज करते थे एज 28 में. हाउ एवर इफ देयर इज एन इंडिकेशन दैट द इंक्रीज्ड कैरिंग अमाउंट मे नॉट बी recoverable as per age 28, as per age 28, then the impairment loss should be recorded accordingly. ये एग्जाम्पल है, इसकी जर्नल एंट्री बना के दो. ये बैलेंस शीट फिगर है. ये इंक्रीज इन डिकमिशनिंग लायबिलिटी है. दो जर्नल एंट्री चाहिए मुझे, दो. पहले डिकमिशनिंग लायबिलिटी के बढ़ने का, उसके बाद असेट के इंपेयर होने का. आराम से आप जो सोचते हो वही करना है. ये रिकवरेबल अमाउंट जो है ना, ये एज पर एज 28 निकाला हुआ है, जो हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस. वाह, आपको तो नाम हम सब याद है. वाह. रुक जा थोड़ा सा, हौले हौले. आप पहले क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन लिखो. ये सब एग्जाम्पल एग्जाम में आएंगे. अच्छा, ये क्या लिखे? एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट क्या है? ये बैलेंस शीट का असेट है. बुक वैल्यू 400 करोड़. एग्जिस्टिंग डिकमिशनिंग लायबिलिटी बैलेंस शीट में 30 करोड़ है. अभी इंक्रीज हो रहा है 60 करोड़ रुपया का. और असेट का रिकवरेबल अमाउंट 445 करोड़ दिया हुआ. दो एंट्री पास करके दो. बोलो. असेट अकाउंट डेबिट टू डिकमिशनिंग लायबिलिटी 60 करोड़. सेकेंड एंट्री बोलो. इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट. बोलो कितना? हाँ, 15 करोड़. क्यों? अरे सर, 400 हैज बिकम 460. अब 460 और रिकवरेबल अमाउंट में फाइट होता है. एज 28 में पढ़े थे ना आप लोग, तो फाइट होता है. तो कैरिंग अमाउंट इज ब्रॉट डाउन टू रिकवरेबल अमाउंट. नाइस, गुड. आज खत्म करके उठेंगे. हाँ, बी सेकेंड पॉइंट. If there is a decrease in the liability, बोलिए क्या होगा? रिकॉर्ड नहीं करेंगे? ना ना, ऐसा कहानी नहीं है. If there is a decrease in the liability, the carrying amount of the asset should come down.
कुछ हट नहीं, लिखते समय क्या हो रहा था? फेयर वैल्यूएशन में मूव हो रहा है, क्या लिखा? दी कैरिंग अमाउंट शुड कम डाउन, फुल स्टॉप. इफ, ये एक ठो मजेदार है बहुत, इफ द डिक्रीज इन द कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स द कैरिंग अमाउंट इटसेल्फ, देन एन इनकम शुड बी रिकॉर्डेड. लिखो, देन एन इनकम शुड बी रिकॉर्डेड. बोलिए क्या एंट्री, अरे बताइए हुआ क्या, हुआ क्या ये तो बताइए. सर असेट को डेप्रिसिएशन कर करके, अच्छा कोई टाइम पे तो असेट 60 करोड़ से बेसी था कि नहीं पहले ये बताइए. कोई टाइम पे असेट 60 करोड़ से बेसी था कि नहीं बताइए. असेट साला डेप्रिसिएट होके गिरता गया और डिकमिशनिंग लाइबिलिटी इंटरेस्ट जुड़ जुड़ के बढ़ता गया. भूल गए, डिकमिशनिंग लाइबिलिटी बढ़ता जाता है ना, क्योंकि पीवी पे आप रिकॉर्ड करते हो. याद कीजिए 32,000 को हम लोग रिकॉर्ड किए थे 19,872 पे, फिर बढ़ा बढ़ा के 32,000 किए और असेट पे डेप्रिसिएशन डाल रहे हैं, तो आज के दिन ये सीन हो गया है. अब एस्टीमेट चेंज हो रहा है, साला डिकमिशनिंग लाइबिलिटी उतना लगेगा ही नहीं जितना एस्टीमेट किए थे. अब आज के दिन उसका पीवी निकला है 32 करोड़ रुपया. बोलो क्या करें, सच्ची एकदम फिगर करेक्ट है, देयर इज नो आर्ग्यूमेंट, इट्स करेक्ट. क्या करें बोलिए, डिकमिशनिंग लाइबिलिटी को गिराना पड़ेगा बैलेंस शीट में, यस और नो? अरे लाइबिलिटी तो पेएबल वैल्यू पे रखना चाहिए ना बैलेंस शीट में, उतना पेएबल ही नहीं है तो अननेसेसरी लाइबिलिटी को ओवरस्टेट करके क्यों रखेंगे? क्या एंट्री करोगे बोलो? डिकमिशनिंग लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट 32, बोलो टू असेट, हाँ टू इनकम पीएनएल. एक बच्चे ने बोला सर कंजर्वेटिज्म का वायलेशन हो रहा है. वो तो बेचारा असेट को ही गिराने नहीं दे रहा था, मैं तो 3 सुता और आगे चला गया बेचारे के, पूरा दिल के ऊपर से चढ़ते हुए चला गया मैं. बोलिए आप जस्टिफाई कीजिए, हमने कोई कंजर्वेटिज्म को वायलेट नहीं किया है. आप प्रूफ कीजिए मेरी बात को, हम एकदम करेक्ट हैं. नहीं, अच्छे से बैक में जाके प्रूफ करके आइए, तब ना मजा आएगा, आपको अच्छा फीलिंग आएगा. हम इनकम लिख रहे हैं अभी, एंड आई एम सेइंग दैट आई एम नॉट वायलेटिंग कंजर्वेटिज्म, आई एम करेक्ट. थैंक यू. और बोल आगे, बहुत बढ़िया लगा, और भी बात करना. सुनिए, आई एम नॉट रिकॉर्डिंग एन इनकम, आई एम रिवर्सिंग ए लॉस विच आई हैड रिकॉर्डेड अर्लियर. प्रूफ कर रहा बच्चा कितने अच्छे से. बोलिए, हम इनकम नहीं लिख रहे हैं, आई एम रिवर्सिंग ए लॉस विच इज झूठ मूठ का रिकॉर्डेड. बोलिए कैसे रिकॉर्ड हुआ? बच्चे ने अच्छा बोला. मैं और एक बात बोलूंगा, बच्चा बेचारा मिस कर रहा, पर बच्चा ही तो है, पर इतना से हम बहुत खुश हैं. बोला सर जब आप लाइबिलिटी लिखे थे ना, जब 19,872, तब आप एक असेट भी लिखे थे और आप उस असेट को डेप्रिसिएट किए हैं, सो दैट डेप्रिसिएशन हैज गॉन टू पी एंड एल. तो नाउ आप अगर इनकम लिख रहे हैं तो देर इज नो हार्म. और एक बात, नॉट ओनली दैट, हम इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड किए हैं.
नॉट ओनली डेप्रिसिएशन आई हैड रिकॉर्डेड, मैं पलट के दिखाऊं या आपको याद है, आई हैड नॉट ओनली रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन, आई हैड रिकॉर्डेड इंटरेस्ट ऑल्सो अर्लियर. हम रिकवरी ऑफ द लॉस लिख रहे हैं, आई एम नॉट रिकॉर्डिंग एन इनकम, आई एम रिवर्सिंग ए लॉस जो हमको होने वाला ही नहीं है. अरे हम सोचे थे हमको इतना लॉस होगा, पर हमको इतना लॉस होने वाला ही नहीं है, सलर डिकमिशनिंग लाइबिलिटी नहीं उतना, तो हम तो पुराना लॉस लिखा हुआ को रिकवर कर रहे हैं, हम कौन सा फ्यूचर इनकम लिख रहे हैं. क्या लिखिए आगे, गुड पॉइंट नंबर, नहीं वही पॉइंट है अभी, सी लिखिए, इफ एन एंटिटी फॉलोज रीवैल्यूएशन मॉडल देन then decrease in liability will go to, देखिए पुराना नॉलेज से बताना मजा आएगा. हम रिवैल्यूएशन मॉडल में हैं, अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो कहां जाएगा, और लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो कहां जाएगा. मजा आएगा आपको बोलने में. और आप जानते हैं लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन रिजर्व, गुड. देन डिक्रीज इन लाइ, क्या लिखा तुम लोग, रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये सब कॉमन सेंस का एप्लीकेशन है. एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी हो जाएगा. बड़ा अच्छा से, कैसा लगा अकाउंटिंग से रिटर्न, बहुत जबरदस्त है ना. इंडेस का एक स्टेप ले लिए समझ लो आप लोग, ये पूरा इंडेस का पैरिटी का एएस है. क्या लिखा वाला, एंड इंक्रीज इन, ये बताओ इंक्रीज इन लायबिलिटी, हाँ, विल गो टू पी एंड एल. ये पैरा खत्म होता है. नाउ थ्री फोर मोर पैराग्राफ्स आर लेफ्ट, वी आर डूइंग इट नाउ, डोंट क्लोज द बुक. अभी पढ़ा के खत्म करके ही जाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट बोलो, हो जाएगा आराम से. 38 ऑलरेडी डिस्कस्ड है पर फिर भी लिखा रहे हैं, रिटायरमेंट. If an asset is retired, लिखो मत. If an asset, कहां पे लिखा हुआ खाली बता दो. If an asset is retired from active use and held for disposal and not held for disposal, दोनों का अलग अलग पैराग्राफ लिखाए हैं ना, तो वापस से हम खाली रिटायरमेंट एक बार हेडिंग दे दिए, हम डैश करके लिखा रहे हैं ऑलरेडी डिस्कस्ड इन पैराग्राफ 31 and 32. थैंक यू, लिख दो. एक्चुअली रिटायरमेंट एक तो बड़ा चैप्टर माना जाता है, तो क्योंकि हम उसको डेप्रिसिएशन पढ़ाते पढ़ाते कर दिए थे ना, तो बोल करके आप उसको अलग से चैप्टर तक नाम दे दिए. अब लिखो इंपेयरमेंट, नया पैरा बना दो इंपेयरमेंट. डैश करके एक लाइन लिखो एज पर एज 28. क्या सर, दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर्स डेप्रिसिएशन बट दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डज नॉट कवर इंपेयरमेंट. बोला इंपेयरमेंट का अकाउंटिंग आपको एएस 28 से ही करना होगा, उसके लिए एएस 10 विल नॉट बी रेलेवेंट और एप्लीकेबल. डेप्रिसिएशन इसी एएस से करेंगे, पर इंपेयरमेंट जो मैं हमेशा बोलता हूं डेप्रिसिएशन का बड़ा भाई है, यू रिमेंबर ये वर्ड हम बोलते थे, इंपेयरमेंट इज द एल्डर ब्रदर ऑफ डेप्रिसिएशन, वो एज 28 से ही होगा. तो वो तो आप पढ़ चुके हैं, उसके लिए अलग से लेक्चर नहीं चाहिए. लास्ट माने नेक्स्ट 40 डिस्पोजल
बोलिए, एक असेट को बेच दिए, सोल्ड, क्या क्या चीज के बीच का डिफरेंस पीएल में जाना चाहिए? कैरिंग अमाउंट, वही डब्ल्यूडीवी और सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस की जगह वर्ड यूज कीजिए नेट सेल प्रोसीड्स। एक ही बात है, हम समझ रहे आपका ईगो हम हर्ट नहीं कर रहे हैं, पर मसाज करने के मूड में भी नहीं है। लिखिए द डिफरेंस बिटवीन द डब्ल्यूडीवी ऑफ द असेट एंड द नेट सेल प्रोसीड्स विल गो टू पी एंड एल। देखिए गलती ढूंढिएगा, बोलिए गलत है ना? कैलकुलेशन ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। अदर इनकम में जाना चाहिए ना? लिखो, वी शुड नॉट टेक इट ग्रेट। अभी लेकिन कहानी है, अगर ये छेड़े हैं बात तो कुछ बात होगा, ठीक है? क्या लिखा बोलो? वी शुड नॉट टेक इट टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इट इज अदर इनकम। अब देखिए एक तो इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज है, ये मेरा बिजनेस का ऑपरेशन है, नेचर ऑफ बिजनेस है कि, रुको तो पूरा सुनो, कि हम असेट खरीदते, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट भाड़ा पे लगाते हैं, भाड़ा पे लगाना मेरा बिजनेस है, 12-13 साल भाड़ा खाने के बाद जब 70-80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द असेट रिकवर हो जाता है तो हम उस असेट को सेल करने में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद बेचते हैं। बोलिए, इसको 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 बोला जाता है कि प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट हेल्ड फॉर रेंटल्स सोल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये तरीका होता लोगों का बिजनेस करने का, ये पार्ट है कि खरीदो, भाड़े पे लगाओ, 10-11-12 साल भाड़े पे लगाओ, बेच के निकलो, फिर खरीदो नया एसेट, फिर भाड़े पे, दैट इज द पैटर्न ऑफ डूइंग बिजनेस। बोले क्या होना चाहिए? बोलिए, और उस 40 करोड़ का क्या करेंगे वो भी बताइएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो फिर 56 करोड़ डालोगे ना, या 16 करोड़ के खाली प्रॉफिट को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डालोगे? हाँ वही तो, स्टॉक करोगे ना, वही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माना तो सेल ऑफ गुड्स ना रे। हेलो, तो फिर कैसे करेंगे बताइए, तरीका बताइए। अच्छा पहले मैं आपको बता दूं, यू आर थिंकिंग ऑन द राइट लाइंस कि अब वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का चीज हो गया है। इफ यू आर राइटिंग दिस सेंटेंस दैट द कंपनीज ऑपरेशन का तरीका इज इट कंस्ट्रक्ट प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, gives it on rentals and then sell it in the ordinary course of business after converting its plant property and equipment into stock in trade. Bolo. हाँ, stock in trade बोलो, PNL की जगह word use करो, stock in trade to carrying amount of the asset. माने हम लोग पहले 40 करोड़ रुपया को ना stock बना देंगे, उसको asset से उठा करके inventory में ले आएंगे। Hello, fixed asset से उठ के inventory में आ गया, inventory में आने के बाद बेच दीजिए, तो 40 करोड़ विल कम इन टू द इन्वेंट्री, 56 करोड़ विल बी द सेल ऑफ इन्वेंट्री। इसके लिए इंस्टीट्यूट ने रूल बनाया, देखिए कितना सुंदर। AS10 इतना मजेदार क्यों है, दो दिन क्यों लगा, देखिए। नाउ इट इज नो लॉन्गर एन IPCC का AS, इट्स अ ट्रूली फाइनल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नहीं लिखिए, बट इफ, पैरा चेंज करके, बट इफ
देयर इज एन एंटरप्राइज विच, लाइन सब देखिए कितना सुंदर लिखाएंगे, देयर इज एन एंटरप्राइज विच इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस रूटीनली सेल्स SELLS सेल्स PPE शुड ट्रांसफर कैरिंग अमाउंट ऑफ PPE बोलो टू इन्वेंट्रीज and record its sale bolo as bolna records its sale to samajh gaya tumhara sentence complete hai aur aage bolo ha as revenue from operation iske upar question aa sakta hai exam mein bahut important part hai ye done इट्स ओवर नया पैरा 41 लिखो डिस्क्लोजर्स नोट्स ऑन अकाउंट्स डैश करके लिखो नोट्स ऑन अकाउंट्स डैश करके लिखो हम पूरा फिर से लिखाएंगे बट फिर भी हम जो बोल रहे हैं सुनो लिखो डैश करके ऑलरेडी डिस्कस्ड इन शेड्यूल 3 शेड्यूल 3 में नॉन करेंट असेट याद है फिक्स्ड असेट पूरा पढ़े थे ना उसका जो सारा डिस्क्लोजर्स है ना वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में एज इट इज रख दिया है सारा 100% तो 100% आपको ऑलरेडी डिस्कस्ड है हम एक बार पढ़ा चुके हैं एक बार हम फिर से लिखा रहे हैं शॉर्ट में ए मॉडल यूज्ड कौन से दो मॉडल चलते हैं हाँ लिखना पड़ेगा नोट्स में हाँ बी बस ऐसे शॉर्ट शॉर्ट लिखो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन क्या क्या प्रॉपर मेथड्स हैं स्ट्रेट लाइन है WDV है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है और भी कोई मेथड अगर आप ऑप्ट करते हो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है बस वो सिस्टमैटिक होना चाहिए और वो उतना ही डेप्रिसिएशन पीएल में दिखाना चाहिए जितना डेप्रिसिएशन अक्रू हुआ है सी यूजफुल लाइफ डी रेट्स लिखा इफ लाइफ एंड रेट ई ई में लिखो ई इफ लाइफ एंड रेट इज डिफरेंट फ्रॉम शेड्यूल 2 कंपनीज एक्ट देन अ नोट किसी को भी मालूम है शेड्यूल 2 में यूजफुल लाइफ प्रिस्क्राइब किया गया आपको मालूम है ये बात अगर आपने यहां पे यूजफुल लाइफ लिया 54 साल शेड्यूल 2 में बोला गया है 42 इयर्स आपको नोट में लिखना पड़ेगा ओके नंबर एफ देना नोट बस ये नोट देना है और क्या नोट डिस्क्लोजिंग दिस और क्या नोट हाँ बस बस उतना ही लिखो नेक्स्ट इज एफ reconciliation between gross carrying amount and WDV fixed asset का कितना बड़ा चार्ट बनता है आपको याद होगा तो कैसा चार्ट होता है बोलो तो ग्रॉस ब्लॉक में 5 कॉलम नहीं डिप्रिसिएशन में 5 कॉलम हाँ ग्रॉस ब्लॉक में ओपनिंग एडिशन डिडक्शन डिस्पोजल क्या क्या नहीं होता है डिप्रिसिएशन का 4-5 कॉलम फिर WDV वो दिखाना है
जी, रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन समझे, किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन हो असेट के यूज को लेके, डिस्पोजल को लेके, नोट्स में देना पड़ेगा। जी एच फॉर रिवैल्यूएशन मॉडल, डैश करके लिखो, डेट, यूज ऑफ एक्सपर्ट, फेयर वैल्यू डिटर्मिनेशन मेथड, एटसेट्रा। बस ये सारा चीज ना आप जाके नोट्स में देखिएगा, शेड्यूल थ्री में लिखा हुआ है। सो डिस्क्लोजर का पैराग्राफ कम्स टू एन एंड। अब लिखिए पैराग्राफ नंबर। अच्छा ये सब कहां दिखाते हैं आप लोग? नोट्स ऑन अकाउंट्स में। फिक्स्ड असेट का एक तो नोट्स बनता है, आपको याद होगा, कॉलम वाइज ग्रॉस ब्लॉक नेट ब्लॉक वाला कॉलम वाइज बनता है। ये सारे डिस्क्लोजर्स वहां पे दिखाने हैं। पहले तो अमाउंट का डिस्क्लोजर हो जाएगा, फिर भाषण वाला डिस्क्लोजर सब नीचे होगा, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 लिख के। अब लिखिए 42, हेडिंग दीजिए ट्रांजिशनल प्रोविजंस। कितना सुंदर सुंदर रूल है, देखिएगा, पढ़ के खुशी होएगा। ये वाला एस कब से एप्लीकेबल हुआ? अभी इसी साल से, मतलब ये जो, हाँ अभी जो साल खत्म हुआ ना उसमें 16-17 से, अभी तो आया ना, 16-17 से एप्लीकेबल हुआ। आपके एग्जाम में अभी से एप्लीकेबल होगा, ये पहला बार एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका पहला ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल प्रोविजन क्या होता है पहले हमको ये बताइए। आपको बताएं हम ट्रांजिशनल प्रोविजन, हाँ कोई भी एस अगर, मैं एस के लिए पूछ रहा हूं, कोई भी एस अगर आपके ऊपर पहली बार एप्लीकेबल होता है नया नया, तो आपको उस समय क्या करना पड़ता है जिस समय वो चेंज आप अप्लाई करते हो। बाकी तो उसके बाद पूरे साल भर में तो 40 तो पैरा पढ़ना ही है, ये तो 41 नंबर है ना, ये 42 है ना, तो साल भर तो पूरा जिंदगी भर तो 42 पैरा 41 पैरा यूज करोगे। पहली बार जब एस एप्लीकेबल होगा, मान लो अपने ऊपर पहली बार एप्लीकेबल हुआ 1417 को, तो 1417 को क्या करना है? तुमको बोलना नहीं, तुमको पढ़ना, अभी पढ़ाएंगे हम। मैंने अभी ट्रांजिशनल प्रोविजन का डेफिनेशन दिया कि व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू ऑन 1417 विच इज द फर्स्ट डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ एस 10, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशनल प्रोविजन। क्लियर? ए लिखो, इफ देयर इज एन असेट विच वॉज recognized as an expense in past, then, चलिए पहला पॉइंट बढ़िया वाला, यहां से थोड़ा गेस वर्क और बढ़िया सा काम करके दिखाइए। मान लीजिए मेरे पास एक असेट था, लेकिन बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स और वट एवर यू से, ओल्ड रूल्स, ओल्ड एज 10, ओल्ड कहानी, मैंने वो 100 करोड़ रुपया का उस वक्त का एक्सपेंडिचर था, आज के 4 साल पहले की बात बोल रहा हूं, मेरे को कैपिटलाइज करने नहीं दिया गया, वो पीएल में चला गया। आज 1417 को एज 10 नया आने के कारण, मेरा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल होने के कारण, वगैरह वगैरह सब होने के कारण, ये असेट में लिखने के लायक असेट है, क्या किया जाए? हां तो करें क्या? मान लीजिए बच्चे ने बोला कि सर WDV निकाल लो इसका, 4 साल के बाद का, 4 साल के बाद का WDV आ रहा 62 करोड़, क्या करें बोलो?
डेप्रिशिएटेड वैल्यू ही बोल रहे हैं 62 करोड़, फाइनल फिगर है ये, आज का बोल रहे हैं। बोलो, असेट अकाउंट डेबिट टू, खाली P&L में ये याद रखना कि इट शुड बी रिटेन्ड अर्निंग्स, इट शुड नॉट बी करेंट ईयर P&L, क्योंकि ऑल ट्रांजिशनल प्रोविजन का जब एडजस्टमेंट होता है ना तो करेंट ईयर PL को हिट नहीं करता है वो, हाँ पुराना है ना ये, इट शुड गो टू रेवेन्यू रिजर्व्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, डन लिखो। देन द WDV ऑफ दैट असेट बोलो, बोलना है, अब पढ़ा दिए तुमको बोलना है, शैल बी रिकॉर्डेड। अच्छा WDV समझे ना, 100 करोड़ नहीं, हाँ क्योंकि डिप्रिसिएशन तो 4 साल का हुआ है ना, तो उसको नेट करने के बाद, क्योंकि पुराना डिप्रिसिएशन पुरानी असेट, हाँ शुड बी बाय क्रेडिटिंग रिटेन्ड अर्निंग्स, ले मजा देख। वैल्यू भी तो इंपॉर्टेंट है, बोलिए सर। मेरे पास एक स्पेयर पार्ट्स है, ओल्ड सिस्टम के हिसाब से हम उसको AS2 में इन्वेंटरी बोल के रखे हैं, नया वाला AS10 आने के बाद बोल रहा है थोड़ा सा, इंस्टीट्यूट आपकी बात नहीं मान रहा है, इंस्टीट्यूट बोल रहा है पूरे कैरिंग अमाउंट को पूरे कैरिंग अमाउंट में डाल दीजिए प्रोस्पेक्टिवली। लिखो, द असेट शुड बी कैपिटलाइज्ड। अच्छा कुछ लिखा ही नहीं क्या, सॉरी 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 सॉरी, मुझे लगा ये लिखा दिए, सॉरी लिखो, इफ देयर इज अ स्पेयर पार्ट which was recorded as an inventory as per AS2 and now it is a plant property and equipment as per AS10, then the plant property and equipment should be recorded by crediting the inventory एट, ये एट बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द एग्जिस्टिंग, बोलो क्या, कैरिंग अमाउंट। इसमें अमाउंट चेंज करने का रूल नहीं लाया, और क्या लिखा ये सुनो, दिस अमाउंट विल बी डेप्रिसिएटेड ओवर बोलिए रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट। समझ में आया क्या बोले, पैराग्राफ नंबर C,
लिखिए, इफ एन एंटिटी हैज अर्लियर रीवैल्यूड एन असेट अपवर्ड earlier revalued an asset upward but now with new AS 10 it wants to follow cost model. क्या करना पड़ेगा बताइए, मजा लिखो. The existing balance in the revaluation reserve should be cancelled. Credit किसको करेंगे ये तो बताओ. इधर देखो, मान लीजिए मेरे पास एक asset है, उसका carrying amount 400 करोड़ है, carrying amount, और मेरे बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन रिजर्व है 70 करोड़ का. अब मेरे को कॉस्ट मॉडल फॉलो करना है, क्या करें बताइए. 70 करोड़ का ये मेरी असेट का कैरिंग अमाउंट है और ये मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व है. हम आरआर को हटाना चाहते हैं, टू क्या लिखें? अभी तो वही मारपीट है. एक बच्ची बोल रही है पीएल में शिफ्ट कर दो, रिटेन्ड अर्निंग्स माने रेवेन्यू रिजर्व, और एक बच्चा बोल रहा नहीं सर असेट में, आई मीन पीएल में जाने का कहां कहानी है, ये तो असेट बढ़ाया हुआ है ना, तो असेट को गिराइए. बोलिए आपका क्या व्यू बनता है, असेट को गिराएं या रिजर्व एंड सरप्लस में ठेल दें? असेट को गिराइए, रिजर्व सरप्लस में कैसे ठेल देंगे बताइए. अभी आपने आपने रिवैल्यू किया तो क्या किया बताइए, रिवैल्यू जब किया था तो क्या किया था? असेट अकाउंट डेबिट टू आरआर किए थे ना. अब आप अगर कॉस्ट मॉडल में जाना चाहते हैं तो उल्टा ही तो करना पड़ेगा ना, पीएल में जाने का कैसे कहानी बनेगा बताओ. लिखो, शुड बी बाय क्रेडिटिंग द असेट. मजा ले, वो सब का कुछ करना नहीं. अब आज आगे प्रोस्पेक्टिव है सब, उसके बाद कॉस्ट मॉडल फॉलो करो तुम. अब इसको कॉस्ट मान लो और यहां से अपना, इसमें रेट्रोस्पेक्टिव कहानियां नहीं है. ये देख कितना इंटरेस्टिंग, रुक रुक हा मजा आएगा. कॉमन सेंस लगाइएगा, समझे कि नहीं क्वेश्चन क्या है. मैं कॉस्ट मॉडल में जाना चाहता हूं, मेरा एसेट का कैरिंग अमाउंट 20 करोड़ है, मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व 70 करोड़ है. हम कॉस्ट मॉडल में जाना चाहते हैं, हम एसेट को गिराने के प्या आमादा हुआ. मैन आई वॉन्टेड टू रिड्यूस द एसेट, आई सडनली फाउंड दैट द रेसिजुअल वैल्यू इज 6 करोड़ and my revaluation reserve is exceeding the carrying amount. What should I do in considering, I mean after considering properly the residual value idea? Good, 14 crore ka asset gira sakte hain, par revaluation reserve to 70 crore ka hai. Haan, PL mat boliye, PL theek hai, mane PL dil ko tasalli dene ke liye dalenge aap revenue reserves mein. Likho, however if ये लिखना चाहोगे, इसी को इसी को पहले नोट लिखा देते ना. हाउ एवर इफ द डिक्रीज इन द असेट एक्सीड्स द
कैरिंग अमाउंट, देन द एक्सेस शुड गो टू रेवेन्यू रिजर्व्स, by maintaining the asset at residual value if any. बोले अगर ये नहीं दिया होता तो 20 और 50. अभी तुमने किया 14 and 56 है ना, टू असेट 14, टू रेवेन्यू रिजर्व्स 56. सो दैट्स इट, AS 10 इज ओवर. सोचे थे कि एक क्लास में खत्म कराएंगे, लेकिन था नहीं एक क्लास के जैसा. हाँ, इट वॉज क्वाइट बिग एंड इट वॉज नहीं. इसके लिए अलग से आप कोई सम, ये जो एग्जाम्पल सम कराए हैं ना, यही सम्स हो गए. अच्छा, वेडनेसडे के दिन सरस्वती पूजा, उस दिन छुट्टी रहेगा आपका. सरस्वती पूजा के दिन क्लास में कभी जिंदगी में नहीं लिया. अच्छा, फ्राइडे के दिन हम क्या कराएंगे, वो जो नया गाइडेंस नोट आया है ना, क्या चीज के ऊपर, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग. आपको बोला था गाइडेंस नोट ऑन डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग बाय कंपनीज बोल के एक गाइडेंस नोट आया है शेड्यूल 2 के ऊपर, वो पढ़ाएंगे. और वो भी एकदम नया है, इस एग्जाम के लिए रेलेवेंट है. तो वी आर मीटिंग ऑन फ्राइडे. यू डोंट नीड टू ब्रिंग एनी बुक ऑन फ्राइडे. इफ एट ऑल यू वॉन्ट टू ब्रिंग द बुक, तो गाइडेंस नोट वाला जो बुक है वो ले आइएगा. नहीं, कवर्ड है. कैसे, अगर शेड्यूल 2 के हिसाब से कर रहे हैं तो कवर्ड है. अगर शेड्यूल 2 से बियॉन्ड जा रहे हैं तो उसके लिए गाइडेंस नोट है, वो आपको बताएगा कैसे करना है. इसीलिए मैंने क्या बोला शुरू में ही, कि हम लोग यहां जो डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं, नॉन इंडेस कंपनीज एंड नॉन कॉरपोरेट्स, कॉरपोरेट लोग डेप्रिसिएशन जो देंगे उसके लिए हमें गाइडेंस नोट पढ़ाएंगे आप लोगों को, जो फ्राइडे को पढ़ेंगे. चलिए फ्राइडे मिलते हैं. फ्राइडे कितनी बजे आएंगे, 7 बजे. हाँ, फ्राइडे को नेक्स्ट फेब्रुवरी हो गया. मैं जनवरी बोला था कि जनवरी हम लोग 7:30 करेंगे. सो फेब्रुवरी 7, 7:10 आई विल स्टार्ट माई क्लासेस.